राशि इधर आ। जय जिनेन्द्र ललिता जी एंड नीचा जी। जय जिनेन्द्र, नहीं नहीं मेरे को एक थोड़ा मयंक मंगल है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, मैंने यूट्यूब लाइव के लिए बात की थी ना, तो उनको 5 मिनट के लिए आप होस्ट कर दीजिए, तो वो यूट्यूब लाइव भी करेंगे आप अपने लिए। किस नाम से है? आर्माइट इंजीनियर। हाँ मयंक मंगल जी को होस्ट कर दीजिए। मयंक मंगल जी को होस्ट है ऑलरेडी, है उनको होस्ट बनाने, उनको होस्ट कर दीजिए 2 मिनट, फिर वो उनका YouTube लाइव हो जाएगा, ओके आ जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मुझे भी होस्ट करिएगा, मेरा माइक मत बंद कीजिएगा प्लीज, मेरे को कुछ बोलना हो तो, है ना। चलिए मिलते हैं। नहीं आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं कभी। जी 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 प्रार्थना जी, थैंक यू सो मच। मयंक मंगल जी को 5-7 मिनट के लिए होस्ट बना दीजिए ताकि वो YouTube अपना लिंक चालू कर दे, फिर उसके बाद कर सकते हैं होस्ट। ललिता भाई जय जिनेन्द्र, मैं सुभाष भाई जयपुर से, कल के कार्यक्रम के लिए याद दिला दे। हाँ जी ठीक है भैया, याद दिला दे। सभी को बोलते हैं, वैसे भेजा हुआ है सबको, मैं जरूर। प्रार्थना मुझे भी कोस्ट बना दो। नीरज जी। हाँ दीदी मैं होस्ट हूँ, अभी मैं होस्ट नहीं हूँ, होस्ट वाली मैं तब बना सकती हूँ। आपको मैंने कुशन जी बहुत फोन किया, आपका नेटवर्क राशि कैसे डालना है ये लिंक? प्रार्थना नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल, अभी अपने को शुरू करना चाहिए। आपके यूट्यूब लाइव हो रहा वो होस्ट है ना? हेलो तो ठीक है, सबको ही बोल दो Zoom पे ही आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हां ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। संति कुंठो अरहु फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी स्नेहीजन, हमारे स्पीकर ग्लोबल मदर मंजुमा, आज के हमारे स्पीकर आदरणीय मास्टर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन योगा एंड मेडिटेशन थेरेपिस्ट डॉक्टर रश्मि जी बोथरा, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार। हमने ये सेशन 25 तारीख को शुरू किया था महावीर जयंती के दिन और आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। आप सब ने
हमारे इस प्रयास को सराहा है और आप सब जुड़े रहे, इसलिए आपका इस मंच से सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी आयोजकों की ओर से धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धार्थ परिवार, सम्मेय शिखर जी से ललिता जी जैन, संगम फाउंडेशन हैदराबाद से मैं नीरज सुराना, जीतो लेडीज विंग रायपुर से कुसुम जी, जी श्रीमान और आईवीएस सिंह सेंटर। बंधु, हम सब ने बहुत प्रयत्न किया कि आप तक कुछ अच्छी जानकारियां, उपयोगी जानकारियां लेकर के आए। शायद हम सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चैट बॉक्स में आपके मैसेज आते हैं या पर्सनल मैसेज आते हैं, उससे हम मोटिवेट तो होते ही हैं और काम करने का, आगे बढ़ने का बढ़ता चला जाता है। हमने सोचा नहीं इतना लंबा ये सेशन हम चलाएंगे, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद और आप सब पहचने हैं कि हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारी ललिता दीदी से दो शब्दों के लिए, और आज के जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उनके बारे में आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर रश्मि जी को भी सामने ले आए तो अच्छा लगेगा उनका परिचय देने में। जी रश्मि जी, आई बोलता इन्होंने इनका अनुभव ही नहीं है, इसके साथ साथ अनुभव के साथ साथ में इनकी डिग्रियां भी बहुत है। अनुभव से तो हम लोग सुनते आते हैं रोज, लेकिन जो जिन्होंने डिग्री ली है इसमें ज्ञान, अपने ज्ञान के अनुभव से, वो बहुत बड़ी चीज होती है। इन्होंने बीएससी, पीएचडी, मैनेजमेंट, एमबीए, मास्टर्स, एमएनडी मास्टर्स एम न्यूट्रिशन में इन्होंने बहुत सारे काम डिग्री हासिल की है, और साथ ही साथ इन्होंने एमएनडी मास्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट में डायटेटिक्स में किया है। ये कार्डियक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ओबेसिटी मैनेजमेंट में कंसल्टेंट भी है। साथ ही साथ इनको बारे में क्या कहा जाए, ये चाइल्ड स्पोर्ट्स में भी बहुत ही न्यूट्रिशनिस्ट है, ये योगा मेडिटेशन थेरेपिस्ट भी है, ये क्या चीज में नहीं है। ये मुझे योगा ले लो, चक्रास के बारे में ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, डाइट के बारे में ले लो, ओबेसिटी के बारे में ले लो, हर चीज में परफेक्ट है। और इसका अनुभव हम लोगों को है कि हम लोग इनकी क्लास किए थे एक बार जीतो से, कैलकटा जीतो से कम 20-25 हम लोग बहने होगी, जो कम से कम 10 दिन का या 15 दिन का सेशन होगा वो क्लास का, और बहुत ही अच्छा लगा था। उस क्लास में आने के बाद में मन हुआ कि इनका एक सेशन हम लोगों के बीच में कराया जाए, और इतना व्यस्त समय होने के बाद भी इनको हमने अनुरोध किया कि आप आए और हम लोगों को कुछ ज्ञान, ऐसा ज्ञान वर्धक करिए कि हम घरों में रहके उन चीजों को अगर सही ढंग से यूज कर पाएंगे, खाने पीने की चीजें या अपनी हेल्थ को अच्छा से देख पाएंगे, तो और हमारा लाइफ और अच्छा से चलेगा। और इनका मैं बता दूं कि ये वर्किंग क्लिनिकल न्यूट्रिस्टिक में इन सिट्रिक केयर हॉस्पिटल में भी जाती है, अवधूत हॉस्पिटल में भी जाती है, और इनका ऑन अपना क्लिनिक भी चलता है काई स्टेफिट। 5 साल से ज्यादा इनका अनुभव है वेबिनार्स करने में, और जीतों के कई भी वेबिनार्स इन्होंने किया है और कई संस्थाओं में आ चुकी है। ऐसे हमारे रश्मि जी बोलता है जिनको आज हम वाकई धन्य हो गए। आज पहला दिन है, मैं तो चाहूंगी आज सुन के अगर जो नहीं आ पाए हैं फिर फोन करके बोलिए, देखिए समय चला जाएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय आता नहीं है, समय जो निकल गया वो निकल गया। घर बैठ के हम दोपहर का समय ऐसे ही गंवा देते हैं, अगर कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें अगर हम ले लेते हैं तो हमको अलग से इनकी क्लासेस में नहीं जाना पड़ेगा ना। फ्री के अंदर में आपको ज्ञान दे रही है रश्मि जी, तो फ्री के ज्ञान को क्यों छोड़े। और समूह में लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको पूछते हैं, तो उसकी जानकारियां मिलती है तो और अच्छा लगता है। तो ऐसे हम डॉक्टर रश्मि एल बोथरा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस हमारे वेबिनार में, और आप अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम लोगों का सबका मार्गदर्शन करें। और जिसका भी जो डिजीज से संबंधित क्या फूड लेना है, क्या नहीं लेना है, सब कुछ पूछ सकते हो। इन्होंने बोला जो भी पूछना आप सब पूछे, मैं सबका आंसर दूंगी, इसलिए कोई भी मन में नहीं रखे, कोई भी प्रश्न हो आप
चैट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप में दीजिए, सबका ये बहुत अच्छा से आंसर करेंगी, क्योंकि इनका जो क्लिनिक चलता है ये भी इसके अंदर में बहुत बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, इनकी एक पूरी टीम है हर चीज की, हर एक्सपर्ट में, वैसे ही अपने आप में एक्सपर्ट है, उनकी भी पूरी टीम है जिसको ये कंसल्ट करके आपके सामने पूरा रिजल्ट देती है। ऐसे हम रश्मि जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे सारे आयोजकों की टीम से, हमारे सारे साधकों की तरफ से। तो आप अपना स्थान लीजिए और माइक लेके हम लोग सिद्धायतन ग्रुप से अवेयरनेस दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो मैं देखती चली आ रही हूँ। समय की थोड़ी व्यस्तता होती है क्योंकि क्लिनिक स्टार्ट होता है मेरा ओपीडी, तो देख नहीं पाती हूँ, बट लेकिन लाइव में जाकर मैं जरूर कभी कभी टाइम मिलता है बिल्कुल देखती हूँ। अमरीश जी का भी देखा, देन मंजू जी जैन अगर वो हैं तो उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम। और कार्यक्रम की शुरुआत या सभी को, सभी डेलीगेट्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स टू सिद्धायतन ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी हियर एज अ स्पीकर, गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस इन न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एंड आई एम हार्टली हार्टली थैंक यू टू ललिता जी स्पेशली एंड देयर टीम, कुसुम जी फ्रॉम रायपुर, and I know 2-3 people here, but I know everyone from Jito, Sunita ji, then Arjuna ji, Sarita ji, Sarogi, Sarmila ji, Suman ji, Bachhawat ji, who are there from Jito and Jito Connect. I am heartily giving you thank you, and this is the wonderful opportunity to be here among all the members of Siddhartha and Jito Connect, and I am very much thankful to all my clients, friends, well-wisher, students, my Armite Engineering College chairperson, Dr. Lavendra Bothra, Dr. AVG, and our principal, because our telecast is like going to live on YouTube Armite channel. Armite is our own initiative, engineering college hai, wahan se hum kar rahe hain. Wahan pe 3000 bacche hain, unke parents hain, aur Manjuji Jain ka jo healing hai, wo aaj hum कोशिश करेंगे कि उन बच्चों तक, उनके परिवारों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच ललिता जी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत एक भक्तांबर शोध से करना चाहती हूँ, क्योंकि मंजू जी जैन है यहाँ पर जी, और मेरा बैकग्राउंड तो बताया, लेकिन ये तो सिर्फ मैं न्यूट्रिशनिस्ट पे हूँ। मैंने विशारद किया है वोकल क्लासिकल म्यूजिक में, पूरा कम्प्लीट डिग्री है। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया है 2 साल का प्रॉपर कोर्स, और बहुत सारे विंग्स हैं, तब जाके लास्ट में मुझे ये काम मिला भगवान की तरफ से। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान महावीर के चरणों में शश्वत वंदन, पार्श्वनाथ भगवान श्री पद्मावती माता के चरणों में शश्वत वंदन, गुरुजनों के लिए मैं बहुत बहुत बहुत, जो मेरे पूजनीय हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम कहती हूँ। मेरी माँ रायपुर में रहती है, तो जैसे ही रायपुर सुना तो मुझे लगा कि जैसे मेरी मम्मी की मुझे ब्लेसिंग ही मिल गई, और आप लोग की तो है। स्टार्ट करते हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनाय
तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ आज का ये सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, हम जुड़े हैं और मैनकाइंड के लिए हम हमेशा आगे रहें। हम जैन हैं, हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम सबकी ओर पहले देखें, उनके लिए हम जो कर सकें हम हेल्प करें। और मैं आपके पूरे टीम के साथ, अब आपकी मेंबर ही हूँ मैं, आप मुझे जब चाहे मेरा यूटिलाइज करें, मैं चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इंग्लिश में तो नहीं रहेगा, मैं पूरा हिंदी में बोलूँगी, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर शेयर करती हूँ आपसे, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें अगर आपके कोई क्वेरीज हो मुझे, बिल्कुल मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और लिख लीजिए नंबर 8771 89752 8771 89752। वहाँ जाकर आप मुझे हेलो कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। हम सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आप ड्रॉप करते जाइए चाहे तो, और आप अगर चाहे तो आप यहाँ पर भी चैट बॉक्स में भी अपने मैसेज ड्रॉप कीजिए। और प्रार्थना जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी चैट है उनको सेव करके रखिएगा और मुझे भेज दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं एक पर्सन को भी मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ उनके प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों के कॉल आने चालू हो गए हैं, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी मैंने डाला भी है, और हाँ अभी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले शुरू में 15-20 मिनट में क्या कह रही हूँ वो सुन ले, अच्छे से सुने, ताकि सुनने के बाद फिर अगर क्वेरीज होंगी मैं आपको मौका दूंगी, आप टाइप भी करेंगे चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, और माइक बिल्कुल बंद रखिए, जो भी क्वेश्चन है लास्ट में मैं 10-15 मिनट लूंगी, आज सेशन खत्म भी तो करना है हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज कि ये डाइट थेरेपी क्या होता है, हिंदी में बात कर रही हूँ, थेरेपिटिक डाइट एंड डाइट ये क्या होता है, और ये डाइट हम कौन से डिसीजेज में देते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक है। राइट, तो हम सबसे पहले दिन हम इस पर बात करेंगे कि डाइट कितने प्रकार के होते हैं, किस डिसीज पर किस सिम्टम्स में हमें कैसे डाइट हमें डिजाइन करने पड़ते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, फर्स्ट। सेकेंड डे हम बात करेंगे कि हमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है जैसे कफ कोल्ड और ये सब, और हाथ पैर दुखता है, एंकल में सूजन होती है, ये सारे जो प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन पे बात करेंगे, मतलब शरीर में सूजन का होना और शरीर में दर्द का बना हुआ रहना, हमेशा कफ कोल्ड रहना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं लोगों को, नींद नहीं आना, तो ये सर इन्फ्लेमेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना। तो हम सेकेंड डे पे जो कवर करेंगे कि कौन कौन से हमारे वीकनेसेस हैं बॉडी में, उसको हम कैसे जाने, उसके लिए क्या उपचार करें, और उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमें बहुत फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि कोरोना काल में जो भी अभी सीख हुए ना जितने भी लोग, उनको सप्लीमेंट से दिया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में उनको सप्लीमेंट पकड़ाया गया, B12 का, वाइटमिन डी का, सी का, तो ये सब क्या है क्यों है, जिसको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सब सुन पा रहे हैं मुझे, और नहीं सुन पा रहे तो चैट बॉक्स में लिखेगा जी। और साथ में हम थर्ड डे पे हम देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हमने सीखी है ना, हमने हमारी हेल्थ को देखा, उसके हिसाब से डाइट देखा, उसके बाद से हमने ये भी जाना कि हमको ये रोज क्यों होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए क्या करना है और सप्लीमेंट क्या लेना है। अब आती है बारी शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने की, मतलब आप खुद से घर में बैठ के अपने शरीर का कितने प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं।
मैं सिर्फ डाइट पे ही बात करने वाली हूँ इस पूरे सेशन में, बट लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको व्यवहारिक नॉलेज भी दूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द थ्री फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू व्हाइल बीइंग सिक और व्हाइल बिकमिंग हेल्दी एंड फिट, यानी आपको फिट बनाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए ऐसे कौन से तीन मित्र हैं जो आपके पास होने चाहिए। तीन मित्र, थ्री बेस्ट फ्रेंड। अगर आंसर है आप टाइप कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, मम्मी हस्बैंड एंड पापा, वेरी गुड, मतलब यहाँ मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। वाटर, सनलाइट एंड फूड, वेरी गुड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। वेरी गुड, वेरी गुड संजय नायक जी, वेरी गुड। एंड वाटर, एयर, फूड, डाइट, न्यूट्रिशन, व्यायाम, यस, ऑल आर लाइक अ 10 out of 10 मार्क्स टू एवरीवन। आहार, प्राणायाम, वेरी गुड। ये सारे जवाब देखकर मुझे जवाब देने का दिल कर रहा है, अभी क्वेश्चन में और करते जा रही हूँ और उसका भी आपको लिखते जाना। वेरी गुड, वेदर, एक्सरसाइजेस, वेरी गुड, बैलेंस डाइट, स्ट्रांग इम्यूनिटी, वेरी गुड। मंजू जी, रेनू जी, सब सही जवाब है। और प्लीज अपने जो भी इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मेरे व्हाट्सएप में भी करें, ठीक है। चलिए, फोन बाजू में रखिए, मैं बताती हूँ कि आपके द बेस्ट फ्रेंड तीन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले आपने बात की हवा की, अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिट कैसे रहेंगे, ठीक है। फिर आपने बात की है यहाँ पे आहार की, तो आहार किसके लिए, आपके लिए ना, कोई दूसरा तो नहीं लेगा आपका आहार, आप बनाएंगे सबके लिए, लेकिन आपको भी तो खाना पड़ेगा क्योंकि दिन भर आपको चलना है। तो हम इसी को कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें नियमित आहार की जरूरत है। द डाइट इज नथिंग बट द फूड वी कंज्यूम, हम जो भी खाते हैं और जिससे हमारी दिनचर्या चलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी को हम डाइट कहते हैं। इसको बहुत ज्यादा मैं टिपिकल नहीं करूंगी, मेरा टॉपिक बहुत हेल्दी रहेगा, सीधा आपके अंदर जाएगा, ठीक है। तो पहला हुआ ऑक्सीजन, अगर प्राण नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगी तो आप चलेंगे नहीं। आहार भी आपके लिए, ऑक्सीजन भी आपके लिए। अब एक बात आई, मम्मी पापा गॉड का आशीर्वाद, ये हमारे फ्रेंड है, बिल्कुल सही। तो मेंटल फिट रहने के लिए, इमोशनल हमें स्ट्रांग बनने के लिए, हमें विल पावर स्ट्रांग करना होता है, और विल पावर स्ट्रांग करने के लिए सबसे बड़े हमारे मित्र होते हैं हमारे माता पिता। तो ये सब किसके लिए हैं? तो फर्स्ट आंसर है, पहला मित्र आपका कौन होगा, आप बताइए कौन होगा आपका पहला मित्र। अगर कोई जवाब दिया ना, उसको एक महीने का डाइट प्लान फ्री, पूरा फ्री, 1 से 2 महीने का वेट लॉस करूंगी, 3 kg 4 kg, अगर डायबिटीज थायराइड होगा तो कम भी करूंगी, मैं उनके साथ पूरा रहूंगी। एयर बॉडी, पहला मित्र आपका कौन सा होगा जो आपको फिट रखे, आपको एनर्जेटिक रखे और आपको मेंटल फिट रखे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, आपको खुश रखे। नो वन इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर, भोजन, वाटर, डाइट, पेरेंट्स, निरोगी, नो, स्माइल, यस, स्माइल इज मस्ट, बट हू? कोई भी फ्री का एडवाइस नहीं लेना चाह रहा है मुझसे, अभी वापस रिपीट नहीं करूंगी। हार्मोन्स, नो, चलिए आते हैं, ज्यादा इसको बड़ा नहीं करते, नहीं तो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला मित्र होता है आपका आप खुद, एम आई राइट? सब लोग थम्स अप दीजिए, यस है तो यस बोलिए। आप खुद अपने सबसे पहले मित्र, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, चाहे आप अच्छी कंडीशन में हो, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में, मेंटली आप अनफिट हो, हेल्दी नहीं हो, या आपका रोज एलर्जी हो रहा है, मतलब आपको सही तरीके की जानकारी नहीं है आपके खुद के बारे में। तो आज जब मैं आई हूँ तो आपको मैं इतना ट्रेंड करके जाऊंगी कि आप अपने खुद के मित्र बन जाएंगे आज से। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस।
ऑक्सीजन खुद के लिए, आहार खुद के लिए, थॉट लेवल खुद का, उसको करेक्ट करना, जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक कौन आपको मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। पेरेंट्स तब तक उंगली पकड़ते हैं जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता, और हम लोग तो बड़े होने तक बच्चा ही करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अपने से खुद से चलना सीखना चाहिए, सब चीज़ ज़िंदगी को जानना सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं 45 साल की हो गई, लेकिन मैं आज जानी हूँ कि मैं मेरी खुद की मित्र होनी चाहिए सबसे पहले। एम आई राइट ललिता जी, निर्जा जी? यस, एकदम सही है जी। अभी मैं पहले ही ऊपर हूँ, अभी दूसरा और तीसरा मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कौन है दूसरा मित्र और कौन है तीसरा मित्र। तो चलो आपको आज पूरा ट्रेंड कर देते हैं, आज आपको उतना तो ट्रेंड करते हैं कि आप ट्राई करेंगे। चलिए ऑक्सीजन की बात किए तो सबसे पहले आपको सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना, मैं आज का एक अभ्यास दे रही हूँ। जिस किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस पेन का प्रॉब्लम है, वो अगर मात्र सही तरीके से सांस लेना और छोड़ने की पद्धति सीख ले तो उसके आधा से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाती है। ठीक है, मैं सही कह रही हूँ? तो सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी दो नाड़ी होती है, दो नोस्ट्रल्स होती है। ये मेरा एक पूरा 10 दिन का कोर्स होता है स्वर योग थेरेपी का। ठीक है, तो आपको सिर्फ वॉच करना है कि लेफ्ट नोस्ट्रल कितने मिनट चलती है, राइट कितने मिनट चलती है। ठीक है, और सांस कैसे लेना है वो बता रही, मैं डीप नहीं बताऊंगी। सांस लेते हैं ना जब भी आप, तो लंबी सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक काउंट, अगर 12 तक नहीं होता 5 में करिए। उसके बाद रोकिए सांस को, और रोकने के बाद 4 पॉइंट रोकिए, और उसके बाद जितने पॉइंट तक लिया उतने पॉइंट तक छोड़े, उससे ज़्यादा छोड़े, जितना लेते हैं उसे डबल छोड़ने का और रोकने का हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले सांस को गिने, पहले एक मिनट में आपकी कितनी सांस जाती है ना। तो चलो एक मिनट का अभ्यास भी कर लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट का मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी, आंखें बंद करें सब लोग, सांस एक बार लेना, होल्ड करना, छोड़ना कितनी बार हुआ, और मुझे यहाँ काउंट बताएंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, आंख बंद करिए, रेडी, स्टार्ट। एक मिनट के अंदर कितनी सांस हुई वो काउंट आपको इनके यहां डालना है जी। ये छोटा सा अभ्यास था, और जब आप भक्तंबर करते हैं, जब आप हीलिंग अभी चल रहा था, हीलिंग करते करने के बाद एक मिनट करके देखिएगा, आज आपके काउंट आपके पास है वो लिख के रखिए, 70 30 18 15 14, बहुत ज्यादा है। जब तक आपकी एक मिनट की सांस लेने की और छोड़ने की एक क्रिया होती है, मतलब लेना रोकना छोड़ना को एक काउंट करते हैं, एक, ठीक है, जब तक आपकी सांस की काउंटिंग 4 या 5 तक नहीं आती है, उससे ज़्यादा आती है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जितने लोगों को भी यहाँ पे डाउट है वो व्हाट्सअप करें मुझे, मैं उनको बताऊंगी या उनके लिए सेशन रखेंगे। स्वर योग थेरेपी में हम पूरा सिखाते हैं। ठीक है, आपकी सांस को 4 से 5 काउंट तक लेकर आते हैं 1 मिनट में। तो ये हो गया ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं रहेगी, शरीर में ठंडा और गर्म तापमान डिस्टर्ब होगा, तापमान डिस्टर्ब होने से आपके शरीर के अंदर अगर ठंडा ज़्यादा हो गया, मतलब चंद्र नाड़ी ज़्यादा हो गई, लेफ्ट वाली ज़्यादा चली, तो आपके बॉडी के अंदर अस्थमा, कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, टेम्परेचर, चिलिंग होगा। ठीक है, और अगर गर्म बढ़ गया आपके बॉडी में, गर्मी बढ़ गई, तो आपको थायराइड, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, किडनी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, क्रैम्पिंग, ये सब चालू हो जाएगा, इनडाइजेशन। तो
तो ये स्वर योग के अंदर हम ये सब सिखाते हैं। तो पहला हुआ ऑक्सीजन, उसको मैंने आज अभ्यास दिया। आपको अभ्यास ऐसा करना है, इतने अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से करना है कि आपकी जो काउंटिंग है वो कम पे कम होती जाए, मतलब सांस लेना रोकना छोड़ना आप बहुत सिंक्रोनाइजेशन तरीके से करें। चलिए अब आते हैं हम थेरेप्यूटिक डाइट के सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वे यू कैन कीप योर सेल्फ डिसीज फ्री, आप अपने आप को कैसे डिसीज फ्री रख सकते हो? इसका जवाब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन करें, जहां मुझे जवाब चाहिए मैं बोलूंगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यू डू व्हाइल यू बिकम सिक और इल, जब आप बीमार हो जाते हो तब क्या करते हो? क्या आप जानते हो कि आपको बीमारी आने वाली है उस समय आप जान लेते हो, या हो चुकी होते हो बीमार तब आप जानते हो? फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली इंक्लूडिंग यू एंड योर सेल्फ, मतलब अगर आप बीमार पड़ जाते हो या कुछ आपको तकलीफ चालू हो जाती है तो आप लॉकडाउन में सबसे पहले क्या सोचते हो, कैसे केयर ले रहे हो, है ना? और फिफ्थ, डू यू नो फ्रॉम वेयर और हुम यू कैन गेट परफेक्ट एडवाइस? सब लोग ये सोचते होंगे कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमको बता देगा। आपके प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है या डाइट का इश्यू है या आपकी फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम है, ये सब कौन डायग्नोस करेगा? एक्सपर्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में बीमार होते हैं ना, होने के पहले हमको पता नहीं होता, हो जाते हैं फिर सोचते हैं अरे कोई डॉक्टर मिल जाता, लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, डॉक्टर ऑनलाइन मिल जाता तो हम चले जाते। तो सबसे मुझे ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि अगर आप बीमार हो गए लॉकडाउन पीरियड में तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आता है, टाइप कीजिए, क्या इलाज आता है सामने। और सबसे बड़ी बात जी, डायट, डॉक्टर, यस यस, सबसे बड़ी बात, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हु आर फिट हियर, कितने लोग यहाँ पर फिट हैं? फिट का मतलब हेल्थ से, वेल्थ से, मेंटली, सब चीज से, कितने लोग यहाँ पर फिट है बताइए मुझे। चलिए थैंक यू ललिता जी, घरेलू उपाय सब मुझे ना नोट करके चाहिए प्रार्थना जी, आपसे मजा आ रहा है। तो कितने लोग यहाँ पर फिट है? जो भी फिट होगा ना उसके फैमिली में अगर कोई सीख होगा, उसकी पूरी डाइट एडवाइस डॉक्टर सब में फ्री। यस यस यस, वी आर फिट हु आर, मंजू जी जैन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप मुझसे बात करें, नो वन इज फिट हियर मी, जितने लोग फिट बोल रहे हैं मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें, ठीक है, मैं फिर डायग्नोस करूंगी। मेंटली फिट भी होना चाहिए, देखिए किसी को गुस्सा आता है, एंगर आता है, वो भी फिटनेस नहीं है, चिढ़ आती है, रोना ज्यादा आता है, बहुत रोते हैं कई लोग, बहुत भावना में रहते हैं, तो वो सब फिटनेस नहीं होता। आई एम फिट, अरे सो मेनी पीपल आर फिट हियर, तो जो फिट नहीं है ना, तब मैं पूछती हूँ कितने लोग यहाँ पर सिक हैं, फिट की बातों के कितने लोग सिख हैं? सब अपने अपने नंबर फटाफट लिख दो, जितने लोग सिख हैं फोन नंबर डाल दो यहाँ पर, मैं उनको पकड़ लूंगी। और जितने लोग भी सिख हैं तो प्लीज पूरे 3 दिन का सेशन कीजिए। आज मैं ऐसा कुछ आपको अभ्यास दूंगी कि आप खुद देखेंगे, वेट लॉस भी होगा, एसिडिटी कंट्रोल होगा, पेन कंट्रोल होगा, ये 3 चीज पर तो मैं 3 दिन में काम करके दिखाऊंगी, ठीक है? जितने लोग भी सिख हैं मुझे पर्सनल फोन नंबर से डाल दीजिए सिख, बस हो गया। अच्छा अब मैं जवाब तो नहीं दूंगी, मैं एक ही चीज बोलूंगी, सबके दिमाग में सबसे पहले तो एक ही बात आती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये भी एक साइन होता है बड़ी बीमारियों का। और कोविड में तो कई लोगों ने 4-5 दिन डिले किया तब जाके हॉस्पिटलाइज हुए और तब जाके उनका उपचार शुरू हुआ और पता चला कि बहुत लेट हो गए। कई लोगों को तो इतने ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस हो गया कि उनको 40 दिन भी लग गए रिकवर होने के लिए और कई लोग तो घर वापस आए ही नहीं। मैं उन सब के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन आपको मैं अब ट्रेंड इतना करके जाऊँगी कि आप खुद अपने आप को, शरीर को पहचान पाएंगे। तो आते हैं हम डाइट एंड थेरेप्यूटिक डाइट पे। व्हाट इज डाइट?
जो भी फूड हम खाते हैं और जिससे हमारी डे टू डे की दिनचर्या चलती है, एनर्जी मिलती है, उसको हम डाइट कहते हैं। डाइट में क्या होता है? आहार होता है। उस आहार में दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग थाली में लेते हैं, बट लेकिन उसी को हमारे टर्म्स में हम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स कहते हैं, राइट? तो हम जितनी भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर, कुछ स्क्रीन शेयर हो गया है यहाँ पे किसी का, तो हम आहार को हम प्रोटीन आशा शेयरिंग आ रहे तो आशा जी ने उसको म्यूट कर दिया जाए जी। जो भी हम आहार लेते हैं उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब होता है, तो हमारे टर्म्स में हम इसको कहते हैं कि आहार में हमें प्रोटीन कार्ब्स लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए? डाइट के बारे में मैंने बताया, और इसमें प्रोटीन हमको हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हमारा अगर तोड़फोड़ हो गई शरीर में, इंजरी हो गई, तो हमको प्रोटीन खाना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन बीमार हुआ, उसका फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो उनको कैसा डाइट देंगे? उनको प्रोटीन रिच डाइट देते हैं हम लोग, नॉर्मल समझा रही हूँ। जिनको भी अगर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, पैरों में सूजन रहते हैं, तो उनको हम लोग उनको लेस प्रोटीन के डाइट देते हैं। आर्थराइटिस वगैरह है ना जिनको, तो उनको हम लेस प्रोटीन डाइट देते हैं। तो प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बोन, बच्चों के एज यानी हाइट बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमको प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आते हैं कार्ब्स। कार्ब्स मतलब हमको क्विक एनर्जी मिलती है। हम लोग एक गिलास जूस पी लेते हैं, जिस भी चीज़ में शक्कर होती है उसको हम कार्ब्स बोलते हैं। स्वीट जिसका टेस्ट होता है उसको हम कार्ब्स कहते हैं। तो कार्ब्स की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी नहीं हुई ना तो हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हमें थकान लगेगी। फैट्स, फैट्स क्या करते हैं? फैट्स मतलब ऑयल और घी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इसका नाम है न्यूट्रिशन की भाषा में। अगर ये बराबर है हमारे बॉडी में तो हमारे शरीर के अंदर हीट टेम्परेचर को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठंडे में जाते हैं तो गर्म कर देता है बॉडी, बॉडी हमारा शरीर उसको, हमारे शरीर के तापमान गर्म हो जाता है, और गर्म में ठंडा, या हमें महसूस होता है कि हमें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर से। फैट हमारे ऑर्गेन्स को सपोर्ट देते हैं और उसको लुब्रिकेशन देते हैं। जो जॉइंट है हमारे ना, उसके मूवमेंट के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ फैट ना हमारे ऑर्गेन्स के ऊपर एक लेयर के रूप में रहते हैं, जैसे किडनी है, ऑर्गेन, हार्ट है, ये सारे ऑर्गेन्स के ऊपर एक फैट की लेयर होती ही है। हमारे स्किन के नीचे में भी लेयर है फैट की, प्रोटीन, मसल्स हैं और फैट है, ये तीन लेयर होते हैं। तो हमको फैट ना प्रोटेक्शन देते हैं हमारे ऑर्गेन्स को, क्या देते हैं? प्रोटेक्शंस देते हैं। तो ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, और मिनरल एंड विटामिंस, जो अभी कोविड में आपको विटामिन B12, C, D, ये सब क्या है, बहुत छोटी मात्रा में, मिलीग्राम में इनकी बहुत ज़रूरत है बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें इन मिनरल और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? सब लोग थम्स अप करें अगर समझ में ना आया हो। तो मेजर डाइट में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय थेरेपेटिक डाइट? थेरेपेटिक डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डाइट जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब अगर कोई पेशेंट की जो कंडीशन है, हेल्थ इश्यूज है, उसको देखकर डॉक्टर की एडवाइस से कि उसे हमें कैसा डाइट देना चाहिए, वो क्या कंडीशन में है, उसको देखकर हम डाइट बनाते हैं, और वो डाइट से उसके शरीर के अंदर की जो बीमारी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, टारगेट रहता है, या फिर उसकी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई मरीज है, उसकी अभी हार्ट की सर्जरी हुई है, हॉस्पिटल में है, और वो बेड में है, वो अभी बेहोश की हालत में, या उसको कोई सेंस नहीं है, तो ऐसे पेशेंट का कैसा डाइट होगा? ऐसे पेशेंट को कुछ समय के लिए हम लिक्विड डाइट देते हैं, ठीक है, या फिर उसका अगर वो थोड़ा बहुत खाने लग गया तो उसके बाद हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं उसके डाइट में, और उसको हम रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए, अब हार्ट वाला है तो उसको कोलेस्ट्रॉल और ऑयल कम वाला फूड देंगे, ठीक है, और इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए, ऐसा सब देख के हम डाइट प्लान करते हैं। तो इसी डाइट को हम थेरेपेटिक डाइट कहते हैं। थेरेपेटिक डाइट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशंस इन डाइट इन विच वे दैट ही इट शुड बी हेल्प टू प्रिवेंट द डिसीज़।
और हेल्प द पेशेंट टू रिकवर फास्ट, ओके। एंड थेरेपेटिक डाइट बहुत प्लान करके बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गेन को अगर चोट लगी है, उसके डिसीज हुए हैं, तो वो ऑर्गेन को हम राहत दें और उसको रेस्ट करने का टाइम मिले और साथ ही साथ उसकी रिकवरी भी अच्छे से हो। तो आप समझ रहे हैं, थेरेपेटिक डाइट अगर आपने लिया अगर अपनी बीमारी में, तो आप जल्दी से क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, रेगुलर आप अपने काम कर सकते हैं। इसलिए डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर काम कर रही हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट के अंदर काम कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि उनको अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देना है, मेडिसिन तो देना ही पड़ता है, बट उनको मालूम है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पेशेंट का, उनका डाइट प्लान करना। लॉन्ग टाइम तक आर्थराइटिस रहता है, लॉन्ग टाइम तक डायबिटीज कैरी करते हैं, लेकिन अगर जरा सा अपना आहार और अपनी एक न्यूट्रिशनिस्ट रख ली, तो आपका डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसीजेस से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, जिन किसी को भी अपने आहार में कमी नज़र आए और ऐसा लगे कि मैं बहुत ओबेज हो गया हूँ, या मुझे डायबिटीज़ है काफ़ी दिनों से, मेरे को हाइपरटेंशन है, तो आप प्लीज़ दवाइयाँ तो लीजिए, लेकिन साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस ज़रूर लीजिए। और आपके हैबिट को भी चेंज करेंगे हम, जो आदत बनी हुई है ना पहले से, उसको हम चेंज करेंगे, आपके किचन को चेंज करेंगे, आपका फूड प्लान उसके हिसाब से बनाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिए, मेरे स्क्रीन पे कुछ किसी का पिक्चर दिख रहा है, उसको प्लीज़ आप रिमूव करवा दीजिए, बहुत डिस्टर्बिंग है ये। नहीं, पर मेरे को वही दिखाई दे रहा है अभी भी। आप एक बार व्यू पे जाके अपना स्पीकर व्यू कर लीजिए, व्यू पर ब्लैक आपका जो फ्रेम है उसके ऊपर व्यू में जाके स्पीकर व्यू कर लीजिए। वो है, किया हुआ है, नहीं आ रहा है, वो आपकी तरफ से है, बहुत डिस्टर्बिंग है, वो मुझे इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, थेरेपेटिक डाइट सबको समझ में आ गया अभी है ना। अभी हम आते हैं कि डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कैसे करते हैं, कोई भी पेशेंट आएगा तो नॉर्मल डाइट, रेगुलर डाइट हम लोग देते हैं किनको, जो पेशेंट नॉर्मल है, चल फिर के आते हैं, चल फिर के जाते हैं और वो कोई बीमार नहीं है। देन जो पेशेंट ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनको ज़्यादा मोटापा है, उनको हम लोग लो कैलोरी डाइट देते हैं। लो कैलोरी डाइट मतलब जिनको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उनके खाने में हम ऑयल फैट कम कर देते हैं, है ना। अगर कोई ओबेसिटी हेरिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी प्लान करते हैं, उसका बीएमआई चेक करते हैं। तो ओबेसिटी में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जहाँ पर बीएमआई चेक किया जाता है। बीएमआई मतलब 25 तक अगर आपका बीएमआई है तो आप नॉर्मल हैं, आपका फिजिक नॉर्मल है, लेकिन अगर 25 से ऊपर जाते तो आप ओवरवेट, फिर उससे ज़्यादा ऊपर 40 के ऊपर किसी का गया तो ओबेसिटी 1, 2, 3, ओके। तो जिनको भी ओबेसिटी है उनको हम बीएमआई चेक करते हैं, उनका हम इनटेक असेसमेंट लेते हैं कि उनकी हैबिट क्या है, और उसके बाद उनका प्लान, हम डाइट प्लान भी करते हैं और डे टू डे एक्टिविटी भी प्लान करते हैं। मैं स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मैं खुद प्लान करूँगी, आपको कॉमन क्लासेस में नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को, उनको पर्सनल आपकी एक्सरसाइज कैसी होगी ये जान लेना चाहिए। थोड़ा ऊंचा सुनने लगा है, मतलब आपको आवाज नहीं आ रही है किसी को। प्रार्थना जी प्लीज स्क्रीन हटा दीजिए ना, ये अभी आपको शेयर स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ, आप ही दिख रहे हैं मेन, और मैं हाँ, अब आया, अब सही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जिसका भी बीएमआई है ना, वो आपका हाइट और एज हमको लेना होता है, हमारे पास मशीन्स हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देंगे तो आपका मैं बीएमआई निकाल के दे सकती हूँ। तो जिनको भी ओबेसिटी है तो प्लीज़ आप अपना एज हाइट मुझसे शेयर करें, आपका बीएमआई, अगर बीएमआई 25 से ऊपर रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, वेट लॉस करना है।
और वेट लॉस करते ही आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड एकदम से डाउन हो जाता है। मतलब अगर एक सिंगल ओबेसिटी वाला पेशेंट है, उसका 5 किलो में अगर वजन कम करूं, तो उसका कम से कम हाइपरटेंशन 0.5 से कम हो जाएगा। उसका डायबिटीज जो है, जो शुगर काउंट आता है, वो अचानक से नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा। उसका HbA1c डाउन हो जाएगा, राइट। थायराइड जिसको है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। थायराइड वालों को हेडेक होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल क्रैम्स होते हैं, तो वो सारे लोगों को जैसे ही वेट कम करते हैं ना, तो उनको हम ये सारे रिवर्स कर देते हैं डिसीज उनके लाइफ से। सिर्फ इतना ही है कि आपको हमारे साथ 6 महीने रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा डाइट नेचुरल देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हाई कैलोरी डाइट। ऐसे लोग जो बहुत पतले हैं, जिनका फिजिक बहुत कम है, जिनका BMI बिलो 18 है, जिनको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब जिनके बॉडी में न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, राइट। मतलब या किसी वजह से उनको अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एपेटाइट बहुत पुअर है, और या खाना वो पचा नहीं पा रहे, दांत का प्रॉब्लम जिनको होता है ना, दांत का। ऐसा नहीं कि वेट कम होने का रीज़न बहुत सारा होता है ना। जिनको दांत के प्रॉब्लम है, वो च्यू नहीं कर पाते, इसलिए न्यूट्रिशन नहीं जा पाता, तो वो भी लोग माल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी डाइट लेना चाहिए। उनका डाइट कैसा होगा? रिच प्रोटीन, रिच फाइबर, हेल्दी कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स। बहुत मॉडरेट करके आपका हाइट, एज के हिसाब से हम प्लान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लो सोडियम, लो पोटेशियम डाइट। जिनको भी रीनल प्रॉब्लम्स है, किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे कितने लोगों को किडनी के प्रॉब्लम है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है किडनी के, वो सब लोग सुन ले। जिनको भी रीनल प्रॉब्लम है ना, या हार्ट प्रॉब्लम है, उनको हम लो सोडियम डाइट, नमक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देते उनको, या बहुत 3 ग्राम तक देते हैं, 1-3 ग्राम्स तक ही देते हैं। तो डाइट जब आप लेते हैं ना, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। किसी को अगर हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, जी वेरी गुड, सब लोग ड्रॉप करते जाइए, मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा नाम और नंबर के साथ, एज के साथ। तो जो भी लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको नमक नहीं खाना चाहिए कहते हैं, ठीक है। नमक अगर आपने हाफ डे तक नमक नहीं खाया, तो आपका हाइपरटेंशन खत्म। अब नमक तो खाना पड़ता है, फिर बोलेंगे हम बिना नमक के कैसे रहें। तो हम ऐसे कुछ हर्ब्स आपको देते हैं, जिसको यूज़ करके आपका फूड भी बहुत टेस्टी होता है और आपको पता नहीं चलता। देन जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है, साथ में डायबिटिक भी है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होता है, उनको भी हम लोग लो पोटेशियम, लो कैल्शियम डाइट देते हैं, है ना, और लो सोडियम डाइट देते हैं। आते हैं हम ब्लांड डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लांड डाइट? ब्लांड डाइट मतलब जो भी पेशेंट जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रॉब्लम है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उनको हम बहुत लो फाइबर, है ना, लो फाइबर और लो कार्ब्स डाइट देते हैं, और कुक्ड फूड देते हैं। कुक्ड, कच्ची चीज बिल्कुल नहीं खाना है उनको। रॉ फूड अगर जो भी खा रहे होंगे, रॉ सैलेड खा रहे, और उनको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो कच्ची सब्जियां अपने डाइट में से निकाल दीजिए। आप लास्ट में चैटबोर्ड पे, आप प्लीज चैटबोर्ड का यूज बाद में करें, पहले मैं जो कह रही हूँ वो पूरा सुन ले। मैं आपको मौका दूंगी बीच में, पूरा अच्छे से सुनिए, बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है। अब आते हैं हम नेफ्रोलिटिक डिसीज पे। नेफ्रोलिटिक डिसीज मतलब जिनको, जो बॉडी से जो हमारा प्रोटीन है ना, वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है हमको नेफ्रोलिटिक डिसीज में। यहाँ पर इसका नेफ्रोलिटिक का मतलब है कि जो फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन करने वाली जो प्रोसेस हमारे बॉडी में है, मतलब कचरे को बाहर निकालने वाला प्रोसेस, नेफ्रोलिटिक डिसीज। इसमें हमारा जो किडनी फंक्शन है वो काम आता है, उसके किडनी के अंदर पार्ट काम आते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको किडनी प्रॉब्लम है, उनकी सिचुएशन को देखकर हम उनका फूड ऐसा प्लान करते हैं, समटाइम्स प्रोटीन अगर ज़्यादा निकल रहा होगा उनके यूरिन से, तो उनको प्रोटीन रिच डाइट, और अगर उनको स्टोन है और ये सब है, तो उनको प्रोटीन कम कर देते हैं, ऑक्सलेट कम कर देते हैं, कैल्शियम कम कर देते हैं उनके डाइट से। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये कैल्शियम प्रोटीन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, राइट। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है,
अभी तक तो अच्छा चल रहा था, राइट। तो ये हो गया डाइट की बात। थेरेपेटिक डाइट बताना जरूरी है कि आप कौन से बीमारी से शिकार हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन डॉक्टर की एडवाइस लेकर आपके लिए डाइट प्लान करती है, वो डाइट आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। इसी को हम थेरेपेटिक डाइट कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा सबके। अब आते हैं हम लोग, थेरेपेटिक डाइट जो होता है ना, उसमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिंसिपल क्या होता है बनाने का, थेरेपेटिक डाइट का प्रिंसिपल आपको मैंने बताया, फूड में न्यूट्रिशन प्रॉपर आपको मिले, ऐसा डाइट जिसमें न्यूट्रिशन पूरी मिले। आपकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, बी ट्वेल्व कम है, इससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे, तो वो भी डेफिशिएंसी भी हम ठीक करते हैं, वो भी देते हैं सप्लीमेंट्स। थर्ड, आपकी बॉडी के ऑर्गेन को जो भी प्रॉब्लम है उसको रेस्ट भी मिलना चाहिए। रेस्ट का मतलब ईजी डाइजेस्टिबल फूड देते हैं, ईजी एब्जॉर्प्शन वाले फूड देते हैं। आप हॉस्पिटल में देखे होंगे बिल्कुल फिक्स आपका मेन्यू होता है, राइट। घर में हम ऐसा नहीं कर पाते, ओके। देन वेट मैनेजमेंट करना, जैसे मैंने बताया कि अगर वेट को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा वहीं सॉल्व हो जाते हैं। जैसे जिसको घुटने का प्रॉब्लम है ना, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उनका अगर बॉडी बहुत हेल्दी है, बहुत ओवरवेट है, तो उनको उनका वजन कम करते ही उनके बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देन पर्पस क्या होता है थेरेपेटिक डाइट का, आप बोलेंगे कि एक बार डाइट ले लिया और काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। पर्पस ऐसा होता है कि जैसे आप जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास हर 8 दिन में फॉलो अप लेना चाहिए, यानी 8 दिन में आपका डाइट प्लान चेंज करना चाहिए। और एक साथ पूरा डाइट तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो चेक करेंगे कौन सा डाइट आपको सूट कर रहा है, कौन सा फूड प्लान आपको सूट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डाइट चेंज कर करके आपके शरीर में जो सूट नहीं करेगा तो उसको निकाल देते हैं, और जो सूट करता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड नंबर वेराइटीज ऑफ फूड यानी मेन्यू हम देते हैं, जैसे कैसे जूसेस बनाना, कैसे ग्रीन जूसेस बनाना, लीव्स का यूज़ कब करना, सीड्स का यूज़ करना, जो हमारे रेगुलर किचन में नहीं होता है, ऐसे ऐसे हम चीज़ों को यूज़ करना सिखाते हैं आपको। उसी से केक बनाते हैं, उसी से केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, पैनकेक्स, हेल्दी डाइट बच्चों के लिए, यंगेस्टर्स के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए पता भी नहीं चलता है, रोटी का आटा चेंज करवा देते हैं। मैं तो आटा, मेरा खुद का न्यूट्री रश आटा है डॉक्टर रश्मीस, मैं अपने पेशेंट के लिए स्पेशल आटा डिज़ाइन करती हूँ और वो यहाँ पर मेरा जाता है। तो जो भी लोग ऑर्गेनिक फूड का अगर उनका है स्टोर है, तो प्लीज़ मैं उनको इस प्रकार से जुड़ना चाहती हूँ कि हम ऑर्गेनिक फूड से हम क्या क्या चीज़ें, हेल्दी चीज़ें बना सकते हैं, कुकरी शो जिसको कहते हैं वो मैं ले सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें। चलिए आते हैं अभी यहाँ तक सबको समझ में आया कि हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंगली डाइट कैसा बनता है, कैसे न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल रहता है, पर्पस क्या रहता है। प्लीज अब सब लोग थोड़ा थम्स अप करें, मैं एक बार स्क्रीन देखना चाहती हूँ सब लोगों का, और सब वीडियो में आ जाएं, प्लीज सब वीडियो में आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग हमारे साइड के भी हैं तो मैं एक बार देख लूं। और यहाँ पर सबको जी, प्रियंका जी, शालिनी, रीना, सभी लोग, अनिल जी, जैन, चंद्रकला जी, कविता जी, अर्चना जी, थैंक यू सो मच जी, वेरी गुड, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ अपने चैटबोर्ड पर थम्स अप दिखाइए मुझे, अच्छा लग रहा है तो ऊपर, बुरा लग रहा है तो नीचे। चलिए जी, और यहाँ पर अब मैं आपको टाइम देती हूँ, एक स्क्रॉल कीजिए ऊपर, मेरा व्हाट्सअप का एक लिंक आया है आपको, उस लिंक पर जाके आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जी। अच्छे से समझ रहा है ना,
जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, और होप करती हूँ कि एक एक चीज आपको मैं समझाऊं। तो आज आपने जाना कि एक डाइट अगर हम अच्छा डिजाइन करके लें तो आपकी कितनी बीमारियां हम कम कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं आपको एश्योर करती हूँ 3 महीने के अंदर 10 kg तक वेट में कम कर सकती हूँ, हेल्दी सस्टेनेबल लाइक, मतलब फिर वो वेट बढ़ेगा नहीं आपका, आपका वेट वहीं के वहीं रहेगा। वेट कम करने का मतलब आपका हेल्दी मसल कम नहीं करना है, बोन कम नहीं करना है, आपका पानी का लेवल अच्छा रखना है बॉडी में, सिर्फ फैट कम करना है, ठीक है, बैड फैट्स कम करना है, LDL कोलेस्ट्रॉल आपका कम करना है। वेट कम करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। देखिए आप लिख लीजिए, किसी को लिखना हो ना वेट लॉस के लिए क्या क्या चाहिए। वेट लॉस के लिए आपको ऐसा डाइट चाहिए जिसमें आपका BMI 19-25 के बीच में रहे। फर्स्ट BMI होता है एज और हाइट का हम डिवाइड करते हैं, उससे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा, वेट लॉस करने के लिए हमारा बार होता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना टेस्ट करते हैं वो हम निकल। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है टेस्ट करवाती हूँ, फिर देती हूँ डाइट ताकि उनको समझ में आए। तो लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, HDL बढ़ाते हैं। वो किससे बढ़ता है? फूड से, वो दवाई से नहीं बढ़ता, फूड से, डाइट से बढ़ता है। दो, तीसरा, वेट लॉस अगर करना है ना तो आप दिन भर में कितना खा रहे हैं, ग्रीट टिकाल के उदाहरण से बताएं। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं मुन्नी जी, कोठारी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, वेट लॉस करने के लिए एक डाइटिशियन आपको क्या करके देगी ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। डाइटिशियन के पास क्यों जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कैप्सूल देगा, उससे एसिडिटी होगा, वेट लॉस तो नहीं होगा। आपको डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कैसा डाइट प्लान करेगी जिसमें BMI कम करेगी आपका, वो कोशिश करेगी ऐसा डाइट देती जाएगी बदल बदल के कि आपका BMI कम हो। सेकेंड, आपका वो एक्सरसाइज प्लान करेगी। एक्सरसाइज प्लान मतलब कितना किलो वजन मैं कम करूंगी तो अच्छी दिखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं, वजन हेल्दी कम होना चाहिए, आपका बॉडी का बोन कम नहीं होना चाहिए। तो डाइटिशियन ही आपको परफेक्ट वजन कम करा के देगी, ठीक है। तो हेल्दी वेट कम करने के लिए आपको डाइट देगी, आपका कैलोरी जो है ना उसको डेफिशिएट करेगी। मतलब अगर आपकी बॉडी में 2000 कैलोरी तक आपको ऊर्जा चाहिए लेकिन आप खा रहे हैं जिससे आपको एनर्जी कितनी मिल रही है, 2000 से ज्यादा, तो वो जमा हो रहा है फैट में। तो मैं आपका जब देखूंगी BMI ना, तो मैं आपका डिजाइन करूंगी कि आपकी कैलोरी कितनी चाहिए और मैं कितना कितना कम करूं हर वीक में ताकि आपको वो वेट मिल जाए। दो तरीका। तीसरा, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब ऐसा फूड इंक्लूड करेगी जिससे आपकी पाचन क्षमता बढ़ेगी, एपेटाइट भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। देखिए 2-3 तरीके हैं वजन कम करने के। एक तो फूड कम खाइए, कैलोरी कम खाइए। दूसरा, फूड को जलाइए, जो खाया है ना उसको जलाइए। तो जलाने के लिए डाइट बरोबर देंगे और साथ में एक्सरसाइज प्लान करेंगे। जिनको भी कैंसर है ना वो प्लीज़ मुझे अपनी फाइल भेजें, मैं उनका फिर पूरा देखकर ही उनको प्लान करके दूंगी जी। और BMI मैं सबका फ्री में करके भेजूंगी, फ्री, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अपना एज हाइट डाल दीजिए और नाम भी डाल दीजिए, कहाँ से वो भी डाल दीजिए, ठीक है। तो आते हैं हम वेट लॉस का फोर्थ तरीका क्या होगा? आप इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपका फूड जो है ना, जो खाया हुआ, वो क्या हो जाए, एनर्जी के रूप में बाहर आ जाए, यानी फैट कम हो गया, कैलोरी आपने बर्न कर दी, तो आपका वेट कम होगा। अब बताती हूँ मैं वेट कैसे कम होता है, साइंस बताती हूँ। जिन किसी को भी वेट कम करना है तीन दिन में, सिर्फ मैं 2 चीज बता रही हूँ, वो लिख के रखिए, सिर्फ वो चीज करेंगे ना, आपका आज का वेट चेक करिए और तीसरे दिन वेट देखिए। प्लीज जो भी वेट कम करेंगे मेरे को अपना वेट आज का आज ही भेजेंगे, तब मैं तीसरे दिन मानूंगी कि आपने फॉलो किया। चलिए लिखिए, वेट लॉस अगर करना है तो आपको रोज सुबह 4000 स्टेप्स चलने हैं सुबह और शाम को 4000 स्टेप्स। सेकेंड, आपके आहार में से
रोटी और चावल निकाल दीजिए 3 दिन के लिए, रोटी और चावल की जगह मैं कुछ बताऊंगी वो लीजिए आप। जी थैंक यू आचार्य जी। सब लोग व्हाट्सएप का लिंक ऊपर है उसमें जाके आप मुझे प्लीज अपना सब प्रॉब्लम बताइए और सब कीजिए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ठीक है, रोटी और चावल निकाल दीजिए, 8000 स्टेप चलिए, 20-25 मिनट सुबह, 20-25 मिनट शाम को, दो चीज। तीसरा एक पानी देती हूँ वो बना के रखिए, वो पीजिए आप। आपको 2 गिलास पानी लेना है, 2 गिलास, उसमें आपको सौंफ डालना है 2 चम्मच से 3 चम्मच, अगर किसी को एसिडिटी है ना वो भी खत्म हो जाएगी इससे। ठीक है, 3 चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 चम्मच चिया सीड, 2 चम्मच चिया सीड, यस, 1 चम्मच 1 टीस्पून अदरक का जूस, चुटकी भर हल्दी और साथ में 2 चम्मच धनिया की चटनी। धनिया की चटनी बोला तो कोरिएंडर को अच्छे से पीस लेंगे और 2 चम्मच से 3 चम्मच कोरिएंडर उसमें डाल देंगे और इस पानी को आपको दिन में 3 बार पीना है। अब मैं टाइम भी बता देती हूँ क्योंकि जब तक डाइट प्लान नहीं करूँगी 3 दिन का तो आप कभी भी कुछ भी खा लेंगे पी लेंगे, राइट। तो ये पानी आपको अपना बना के रखना है। ठीक है, तो ये 3 बार ये पानी पीना है। सबने लिख लिया, सब यस बोले, लिख लिया है तो कितने लोग वॉक करने वाले हैं और ये पानी पीने वाले हैं, इजी है कि नहीं है बताइए, इजी है जी। जिसको भी डायबिटीज है, वेट लॉस करना है, पेन है और जिसको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए बता रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए। 4000 स्टेप्स सुबह चलने हैं, 4000 शाम को चलना है। सुबह का टाइमिंग बता देती हूँ 6 to 7 के बीच में और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में, ओके। इस बीच में आपको 3 बार एक पानी बता रही हूँ, 2-2.5 गिलास पानी में आपको 3 चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 चम्मच, 2 चम्मच चिया सीड, 2 से 3 चम्मच आपको लेना है धनिया की चटनी, कोरिएंडर का चटनी बना हुआ, सिर्फ पीस लेना और उसको मिला लेना, जब पियोगे तब मिला लेना, और उसके साथ चुटकी भर आपको हल्दी। ये पानी हाइपरटेंशन, क्योंकि नमक नहीं है तो जिनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, शुगर वाले ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कोई भी ये पानी पी सकता है। दिन में 3 बार पीजिए और आप मुझे बताइएगा कि कॉन्स्टिपेशन में कितनी राहत मिली, कितना वजन कम हुआ। ठीक है, और खाने में रोटी और चावल को निकाल देना है जी। और कोविड से जिनको भी पेन है उनके लिए भी हम बताएंगे, मैं अभी लास्ट में सब कवर करूंगी, एक बार मैं ये पूरा टॉपिक खत्म कर देती हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के शिकार वाले लोग सब लोग व्हाट्सएप में मुझे बता दे कॉन्स्टिपेशन का। चलिए अभी मैं बताती हूँ रोटी के लिए ऑप्शन क्या लेना है, नाश्ता और लंच और डिनर में क्या लेना है। लिखिए आप, नाश्ते में आपको लेना है 4 आलमंड्स, 1 अखरोट, 4 काजू, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल, सिसमे सीड्स और थोड़ा सा नारियल का पाउडर, कोकोनट पाउडर, या ये समझ लीजिए सारे चीजों को मिला के आपने एक लड्डू बना लिया जैगरी के साथ, और उसका एक लड्डू, उसके साथ 1 कप ऑफ मिल्क लेना है और 1 कोई भी फ्रूट, एप्पल या फिर पेयर, अच्छे से एप्पल के ऊपर सारा ये सीड्स वगैरह डाल के उसमें 1 चम्मच हनी या जैगरी डाल के आप इसको अच्छे से सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल के एक सैलेड बाउल बन जाएगा आपका हेल्दी। या तो ये ले और दूसरा ऑप्शन भी लिख लीजिए, अगर आपको गर्म कोई चीज़ खानी हो तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है मूंग दाल का डोसा, मूंग दाल का डोसा।
जो पचने में काफ़ी लाइट होता है, उसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, और ये आर्थराइट के पेशेंट भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन है तो नहीं खा सकते, किडनी आर्थराइटिस वाले भी ये मूंग दाल का डोसा ले सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, पानी आप हल्का गर्म भी ले सकते हैं, पानी आप ठंडा भी ले सकते हैं, ठीक है? जो भी वाटर है, चिया सीड यानी सब्जा बीजा। सीलिएक डिसीज वाले प्लीज अपना रिपोर्ट शेयर करें और मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं उनको अपॉइंटमेंट दूंगी और उनसे बात करूंगी, ठीक है? लिख लिया सबने कि ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का डोसा चाहिए, चटनी चाहिए, ग्रीन चटनी कोई भी खाइए, और एक कप दूध बिना शक्कर का दूध। अगर आपको दालचीनी डालना है आप डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा आ जाता है, स्वीट आ जाता है, ठीक है? चलिए लंच में लिखिए, लंच में रोटी खाने का अगर जिसको दिल है ना, तो मैं रोटी का ही ऑप्शन बताती हूँ, सबके घर में फलके ही बनते हैं। तो सत्तू का आटा, अगर एक कप सत्तू का आटा है, मतलब मैं एक जन के लिए बताती हूँ, हाफ कप सत्तू का आटा, 2 चम्मच गेहूं का आटा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, और अगर आप चाहें तो मेथी डाल लीजिए, धनिया डाल दीजिए, अच्छे से बहुत सारा डाल के उसका स्टव पर आटा ले सकते हैं, अदरवाइज रोटी बना लीजिए। और ग्रीन सब्जी जैसे लौकी हो गई, तोंडली हो गई, बरबट्टी हो गई, चौली हो गई, परवल हो गया, सारी ग्रीन, तरोई हो गई, ये सारी सब्जियां आप एक बाउल डेढ़ बाउल खा सकते हैं। और उसके साथ अगर आपको चाहिए तो आप हाफ कप कर्ड लीजिए या छाछ लीजिए। बस 2 रोटी, बहुत सारी सब्जी, 1 कप या 1.5 कप छाछ या दही आधा कप, बिना शक्कर का दही। शक्कर अगर डाल के आप दही खाएंगे तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो लिख के रखिए। शक्कर के साथ जो लोग भी दही खाते हैं उनकी एसिडिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। कितने लोग यहाँ पर एसिडिटी के शिकार है जिनको हर दिन एसिडिटी रहती है, बताइए मुझे। मैं चैटबोर्ड पे देख रही हूँ। हाँ, नीलम जी जैन जी, हस्बैंड को भी है। अर्चना जी, अच्छा मैं गैस करूँ कि कितने लोगों को यहाँ पे एसिडिटी होगी? मैं बता सकती हूँ, जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको देखिए, थायराइड, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। कितने लोगों को एसिडिटी के साथ थायराइड एंड डायबिटीज, एम आई राइट? जितने लोगों ने भी बोला जी जी जी, थम्स अप दीजिए जो मैंने बोला। देन जिनको भी हाइपरटेंशन के शिकार हैं, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, ये तीनों चीज जिसको है और साथ में आर्थराइटिस भी है, उनको तो एसिडिटी जाएगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ एसिडिटी को कम करने के लिए ऐसे ऐसे मेरे पास डाइट हैं कि हर 8 दिन में मैं आपका जूस चेंज करूँगी, एलोवेरा जूस दूंगी, कभी आपको मैं ग्रीन पत्तियों का जूस दूंगी, कभी आपको मैं वेजिटेबल एंड फ्रूट का मिक्स का कॉम्बिनेशन का जूस दूंगी। तो ऐसे लोगों को जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनको अपने खाने में आपको इस प्रकार से हेल्दी जूस, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए। ग्रीन लीव्स जो होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, जो हरा रंग होता है ना ग्रीन लीव्स का, वो क्लोरोफिल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो डायरेक्ट आप जैसे जूस बनाते हो और पीते हो तो आपकी एसिडिटी छू मंतर। सौंफ का सेवन करें, धना का सेवन करें, सौंफ और धने की चाय पीजिए, इलायची, धना, सौंफ की चाय पीजिए, ठीक है? चलिए, हमने ब्रेकफास्ट बताया, लंच बताया, चाय भी बता दी दोपहर की। सौंफ, धना, इलायची की चाय पीनी है 1 कप, 9 मिल्क, 9 चाय पत्ती, ओके? और शाम को डिनर में आपको क्या लेना है? आपको डिनर में मूंग दाल खिचड़ी लेनी है, कढ़ी लेनी है, सब्जी लेनी है, सैलेड लेना है, और 2 चम्मच गाय का बिलोने का घी लेना है, ठीक है? 3 दिन तक सिर्फ यही डाइट आप कीजिए और आप मुझे बताइएगा आपका वेट कितना कम हुआ, कॉन्स्टिपेशन कम हुआ या नहीं हुआ। दूध बंद कर दीजिएगा, सिर्फ 1 टाइम दूध दिया है मैंने रात को, जो लोग भी दूध पीते हैं वो प्लीज़ दूध बंद कर दीजिए अपने डाइट से, ठीक है? तो आज मैं बहुत सारी बीमारियों का एक डाइट बताई हूँ, अगर इतने लोगों में अगर ये 3 दिन आपने फॉलो किया तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे पास आओगे और 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे मेरा।
और आप लोगों के लिए ऐसा चार्जेस वाला बात नहीं होता है, लेकिन हाँ मेहनत करेंगे, मैं बहुत रिजनेबली आपका मैं ट्रीटमेंट करना पसंद करूंगी। 15 किलो वजन कम कर लिया आपने अगर, तो समझ लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी खत्म, डायबिटीज़ थायराइड वजन के साथ ख़त्म हो जाती है। इसलिए आज मैंने वेट लॉस को ज़्यादा फोकस किया, एसिडिटी को फोकस किया। अब चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट में कौन से आहार नहीं लेना चाहिए, किसको कोई भी बीमारी होने दो, लिख लीजिए। हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट लोग कुछ आहार को बिल्कुल लेने के लिए मना करते हैं, लिख लीजिए। ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, मतलब अपने आहार में से डालडा, वनस्पति तेल, ऑयल सब निकाल दीजिए, मत यूज कीजिए। अपने आहार में से तेल, डालडा, घी, बटर, चीज सब निकाल दीजिए। चीज भी कुछ हेल्दी होते हैं। अब मैं बोलूंगी कि खाना कैसे बनाना है, मतलब माइंड में ये रखिए, पानी डालिए तेल की जगह और सब्जी बना लीजिए। अब कैसे होगा मैडम, टेस्ट ही नहीं आएगा? अरे बिल्कुल टेस्ट आएगा, बिल्कुल टेस्ट आएगा। मैं आप देखिए, 2 चम्मच तेल डालते, बहुत कम भी तेल डालते, लेकिन वो तेल पानी के साथ मिक्स ही हो जाता है ना, पता क्या चलता है। मसाले तो वही मिलने वाले हैं, पानी भी मिलने वाला है, सब्जी वही रहने वाली, तो तेल की जरूरत क्या है। अब एक इंसान को कितना तेल खाना चाहिए मैं ये भी बता रही हूँ। 1 to 3 teaspoon, 1 teaspoon में 15 gram तक कैलोरी, 15 gram तक ऑयल होता है, ठीक है, और उसकी जो कैलोरी होती है ना 100 से भी ज़्यादा होती है ना। तो आपको 1 teaspoon से लेकर 3 teaspoon ऑयल यूज़ करना है आपके दिन भर के खाने में। आपको नमक 3 teaspoon तक लेना है, 3 से 5 teaspoon। जो लोगों को हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों को नमक बिल्कुल नहीं लेना है, और अगर लेंगे किडनी प्रॉब्लम वाले तो बिल्कुल चुटकी भर, यानी उनके लिए 1 चम्मच बराबर चुटकी, ठीक है, 2। तो अपने खाने में से तेल निकालिए। और हाँ, अगर आपको तेल का ऑप्शन चाहिए वो भी बताती हूँ। तेल में आप सिर्फ 2 तेल रखिए अपने घर में अभी, एक तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल खाने वाला, और दूसरा रखिए आप ऑलिव ऑयल, 2। और बहुत फ्राई करने वाली चीज़ तो बंद ही कर दीजिए, मैं कहती हूँ कोई, अभी एयर फ्रायर मिलने लग गया वो लाइए, और उसमें शंकर पारे बनाइए, उसमें समोसे बनाइए, सब बनता है, सब बनता है, ठीक है। तो तेल निकालना है, नमक सॉल्ट का सेवन कम करना है, शुगर निकालना है, जो वाइट शुगर है ना, अगर जिसको डायबिटीज़ है तो शुगर लेना ही नहीं चाहिए। स्वीटनर्स जो लेते हैं ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो भी बंद करें बीमारी से बचने के लिए। यानी हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा, आज इतने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं ललिता जी, मोर देन 570 तक हैं। मैं सबके लिए, हाँ ये सारे लोगों के लिए डाइट प्लान है आपका, हाँ 573, ये सारे लोगों के लिए डाइट प्लान है। 3 दिन में मैं आपका वेट लॉस कर रही हूँ, आप शुगर चेक कर लो घर में, आपकी शुगर जो वैल्यू आती रहेगी उससे कम होगी, आपका डायबिटीज चेक कर लिया आपने, आप इसमें आप वेट चेक कर लिया आपने, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हेडेक जिसको बना रहता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, वो भी खत्म होगा। आप 3 दिन में देखिएगा कितना एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। ये डाइट नॉर्मल डाइट नहीं है, ये बहुत थेरेप्यूटिक डाइट है, ये थेरेपी डाइट है, ओके। डिनर वाला वापस बता दीजिए। डिनर में आपको मूंग दाल और लापसी की खिचड़ी लेना है, चावल तो दिया नहीं है, तो आपको मूंग दाल और लापसी की खिचड़ी बनानी है चावल की जगह। रोटी और चावल तो खाना ही नहीं है 3 दिन अभी आपको, ठीक है। और सैलेड आपको 1 बॉल लेना है बड़ा, 1 बॉल सब्जी लेनी है आपको। अगर आप खिचड़ी नहीं बना रहे तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको, मूंग दाल और दलिए से आप डोसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा डोसा बनता है, दही डाल के भिगा के रखिए, तुरंत बनेगा, आधे घंटे के अंदर बन जाएगा। और उसके साथ आप सब्जी ग्रीन ले लीजिए, बॉइल्ड की हुई सैलेड वाली 1 बॉल, और सांभर बना लीजिए, मूंग दाल का सांभर बन जाएगा, सांभर मसाला डाल दिया, सांभर रेडी। कोकोनट की चटनी अलाउड है सबको, कोकोनट की चटनी खा सकते हैं।
ऐसे बहुत हेल्दी रेसिपीज भी मैं बताती हूँ हर डाइट में। बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज आपको मिलेंगे, मिल्क शेक मिलेंगे, मैंगो शेक भी मिलेंगे, केक भी मिलेगा, कुकीज़ भी मिलेंगे। मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में कुकीज़ के, हम एक रेसिपी वाला भी ले लेंगे एक सेशन, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये कि हमने क्या क्या निकाला वो लिखवाया, अभी एक और चीज़ निकालना है अपने अपने डे टू डे से, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, अल्कोहल तो पीता नहीं होगा कोई, फिर भी अगर है स्मोकिंग तो वो सब बंद करवा देते हैं हम लोग, क्योंकि अस्पताल में अगर इंसान जाएगा ना तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है उसको, मिलती है क्या बोलो, नहीं मिलती। कॉफ़ी मिलेगी उसको, कॉफ़ी मिल जाती है, चाय बहुत कम मिलती है पेशेंट को, और अल्कोहल और वो स्मोकिंग तो मिलता ही नहीं है, इसलिए समझ जाइए कि घर में अपने को ये सब चीज़ लेना ही नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक, डब्बा बंद चीज़ें, जंक फूड, ऑयल फूड, ये सब बंद कर दीजिए। और अपने खाने में ना दो लहसुन, अपन तो जैन नहीं खाते, लेकिन जिनको हाइपर टेंशन है, दवाई के जैसे फाँकना है, उसको चबाना नहीं है, निकल जाना है खाली पेट, लिख लीजिए। हाइपरटेंशन वाले इस डाइट के साथ अर्ली मॉर्निंग में दो कली लहसुन की खाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उनकी दवाई अगर वो सब लेंगे। और जिनको डायबिटीज़ है उनको मैं बता रही हूँ कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के ना एक आधा टमाटो खा ले, एक टमाटो खा ले, पूरा दिन देखना आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। लिख रहे हो सब लोग, जिनको भी शुगर है, डायबिटीज़ है, वो लोग आधा या एक छोटा टमाटो खा ले खाली पेट, ठीक है। जिनको हाइपरटेंशन है, लहसुन खा ले दो कली, दवाई के जैसे खा ले, नहीं खाते तो भी। और जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनके लिए जो पानी बताया ना उसकी जगह मैं और बता देती हूँ, उनको 30 ml तक एलोवेरा जूस, एलोवेरा का जूस आता है पतंजलि का, वो 30 ml लेके एक ग्लास पानी में खाली पेट पी ले, बस आपका वेट लॉस, थायराइड, डायबिटीज सब कम। और चाय तो मैंने बताई, सौंफ, धना, इलायची की चाय, एक एक चम्मच सब चुटकी भर इलायची बॉईल कीजिए, पी जाइए, ओके। चलिए अभी आते हैं हम विटामिंस के ऊपर, थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रोटीन का रोल होता है बॉडी की तोड़ फोड़ से बचाने का। तोड़ फोड़ हो गया, इंजरी हो गई, उसको हील कौन करता है, फोड़ा हो गया, घाव हो गया, कट हो गया, तो हील कौन करता है, प्रोटीन। तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी पार्ट है ना, वो किससे बने हैं, पानी, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, पानी चाहिए, और अंदर सारे ऑर्गन्स प्रोटीन के बने हैं, किसके बने हैं, प्रोटीन्स के। जैसे हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हर ऑर्गन का अलग अलग प्रोटीन होता है, ठीक है, मैं पूरा डीप नहीं बताऊंगी। हार्ट में भी वही कंडीशन है, किडनी में भी वही है, ठीक है। अब लीवर में सूजन कहते हैं, तो वो सूजन किसकी होती है, फैट का स्तर बढ़ने को बोलते हैं सूजन। तो प्रोटीन तोड़फोड़ के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, 40 से बाद वाले लोगों को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में मसल नहीं बन पाते। 30 साल तक हमारी बॉडी खुद बनाती है हर चीज़, हम जो भी खाते हैं उससे ले लेती है, लेकिन 40 साल के बाद में हमारी बॉडी में वो क्षमता नहीं रहती कि वो प्रोटीन निकाल पाए, कि वो अच्छा कार्ब्स ले पाए, तो न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ऐसे में जब हमारे शरीर के फंक्शंस पुअर हो जाते हैं, जैसे कई लोग बोलते पहले तो मैं बहुत काम करती थी, अब थक जाती हूँ, नींद नहीं आ रही है मेरे को, थक जाती, पैरों में तो इतना दर्द है, अभी कितने लोग क्वेश्चन किए हैं, बहुत दर्द है पैरों में सबको, क्या मैं स्क्रीन क्वेश्चंस देख पाऊंगी ना थोड़ा सा, डायबिटिक बैक पेन, यानी जिनको भी हाँ एलोवेरा सुबह उठते साथ खाली पेट लेना है, हाँ हाँ, और हील पेन है तो उनको B12 की कमी है, अभी मैं वही विटामिन्स के बारे में ही बता रही हूँ। सैलेड में कौन सी सब्जी लेना है, सैलेड आपको अगर बनाना है, कैरेट, बीट, क्यूक्यूम्बर, टमाटोज आप ले सकते हैं, चाइनीज वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जुकिनी ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, अनियन अगर खाते तो अनियन भी ले सकते हैं, है ना। 3 सब्जियों को मिक्स करके सैलेड बनाइए, उसमें स्प्राउट्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा मूंग, बाकी कोई भी दाल नहीं खानी है आपको, प्रोटीन नहीं खाना है अभी 3 दिन, जो मैंने डाइट बोला वही खाना है। चलिए, तो आलमंड भिगा के खाना है, आलमंड एंड वॉलनट जो बोला भिगा के खाना है, ठीक है, नाश्ते में जो खाएंगे ना, नाश्ता उसका ही करना है आपको,
दो नाश्ता बताया, अगर आप ड्राई फ्रूट का नाश्ता करोगे 1 किलो वजन कम होगा, अगर आपने नाश्ता जो मैंने दूसरा बताया ऑप्शन वो करोगे तो फिर वजन 500 ग्राम कम होगा, ठीक है। अच्छा हम कहाँ पर थे, विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। तो शरीर की नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन की जरूरत है, जैसे अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, एंकल पेन, फीट पेन, एड़ी दुखती है बहुत लोगों की, घुटना दुखता है ना, कमर का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, और मेमोरी लॉस है, मतलब उनको याद नहीं रहती चीज़ें, भूल जाते हैं। किसी किसी को हार्मोनल क्रैम्पिंग होती है पेल्विक रीजन में, है ना, पेल्विक रीजन में क्रैम्पिंग का होना, हेडेक बना हुआ रहना, माइग्रेन, और जिसका हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, आयरन लेवल कम है, तो उनको कौन सा हम विटामिन देते हैं मालूम है, बी ट्वेल्व बिकॉज़ अभी कोविड वालों को यही दिया जा रहा था, क्रिएटिन को रिड्यूस कैसे करेंगे, वेरिकोज वेन, हम आएंगे अभी 3 दिन में बहुत कुछ बताएंगे, बिल्कुल लेने वाली हूँ मैं सबको। एंकल दर्द यही बता रही हूँ अभी, एंकल दर्द जिसको भी हो वो अपना B12 टेस्ट कराएं, आपका B12 100% कम आएगा, और अगर 200 से नीचे आपका आ रहा है B12 मतलब आपको काफी डेफिशिएंसी है, आप 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्स लीजिए। आप B12 हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं और हम डाइट में भी देते हैं, आपको पता है नेचुरल भी B12 दिया जा सकता है। अब B12 किस में मिलता है मालूम है, हम जो चटनी खाते हैं, कोई भी चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, पिकल्स बनाते हैं, अभी जो आम आ रहे हैं ना कच्चे, यस यस, मोरिंगा, मोरिंगा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मोरिंगा इंसुलिन रिड्यूस कर सकता है, सब होता है, लेकिन बॉडी को देख के ही हम कोई भी चीज़ आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर थी कि क्या बोल रहे थे हम, कुसुम जी जरा थोड़ा बताइए, लास्ट में मैं यहाँ क्वेश्चन आते डिस्टर्ब हो गई मैं जरा। हाँ तो B12 की मात्रा अगर कम आती है, 200 से नीचे आती है, तो आप समझ जाइए कि आपको 3 महीने तक B12 का इनपुट देना पड़ेगा बॉडी को, रिफिल करना है। अब रिफिल कैसे होगा, रिफिल या तो आप जिनको बीट है बिकॉज उसे वो डॉक्टर देते हैं आपको, ठीक है, हम एडवाइस करते हैं, डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर में एक ही फर्क है, डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर लिख के देंगे और हम एडवाइस करते हैं, राइट, और जो हम एडवाइस करते हैं ना परफेक्ट जाता है आपके जो प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। आप B12 के प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ा है, विटामिन B12 के साथ मैग्नीशियम लिखिए आप, जिन किसी को भी इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, एंकल में सूजन है, एपिटाइट पुअर है, कुछ भी खाते हैं ना ब्लोटिंग हो जाता है, तुरंत गैस बन जाती है, गैस चढ़ जाती है, पेट दुखता है ना, चेस्ट में जकड़न लगती है, तो ऐसे लोगों को ना मैग्नीशियम कंटेंट बढ़ाना चाहिए फूड में। देखना जिनको हार्मोनल क्रैम्प्स होती है ना, उनको 300-400 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम देते ही है डॉक्टर, पेट में दर्द होता है नीचे की तरफ, पैर में ऐठन होती है ना, कभी कभी पेट में दर्द, कभी शोल्डर में दर्द, कभी आपको बैक पेन, ये सब मिला जुला है B12 मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम को भी हम लोग डाइट में देते हैं, जूस बना के देती हूँ मैं, एकदम हेल्दी जूस जिसमें 400 मिलीग्राम से भी ज़्यादा आपको मैग्नीशियम पर डे मिलता है, उसके लिए टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैंने सीड्स बताए हैं ना सुबह नाश्ते में, उस सारों में आपको थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम है। यस, B12 का 5 इंजेक्शन लेने को बोलता है डॉक्टर, वो तो हर साल देना लेना पड़ेगा आपको, एक बार अगर आपको पता चल गया कि मेरे को ये साल B12 कम था इंजेक्शन ले, तो अगले साल भी लेना ही पड़ेगा। जिस भी सीजन में आप B12 इनपुट लेते हो ना, उसी सीजन में नेक्स्ट ईयर आपको वापस से B12 का सप्लीमेंट लेना है, चालू करना है। तो जी, तो अभी ना थोड़ा सा मैं थोड़ा सा माइक को अनम्यूट कीजिएगा, 2-4 लोगों का, मेन लोगों का, फिर उनसे क्वेश्चन चालू करके थोड़ा थोड़ा मैं इंटरेक्टिव करूंगी, फिर जब जिसको बोलने के लिए मैं बोलूंगी तब उसका अनम्यूट करना। अभी 2-3 लोगों को मेन लोगों को आप अनम्यूट कर दीजिए, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जी नीरज का चलिए, हाँ जो भी है, मैं वो 3-4 लोग ऐसा है कि वो मेंटर रहेंगे, उनके क्वेश्चन से शायद दूसरे भी क्वेश्चन के आंसर दूसरे लोगों के भी मिलेंगे। चलिए आते हैं B12 के लिए।
मैग्नीशियम पे आए, मैग्नीशियम आपको लेने से आपका पेन और इन्फ्लेमेशन कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब हार्ट का जिसको प्रॉब्लम है ना, हार्ट लोडेड रहता है, उनको भी डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन, जिसको भी होता है इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, उसके लिए मैग्नीशियम। नीरज जी कोई क्वेश्चन है जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका? मैं अगर अपनी हेल्थ की बात करूं तो ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको शायद काफी कुछ मिलेगा। जी जी जी। काफी ऑपरेशन और किए हुए हैं डॉक्टर पहले। अच्छा। और उसके बाद में मुझे अभी बहुत गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से माइग्रेन और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसकी वजह से। जी जी। मुझे लगता है कि ज्यादा मेन जो मेरा है गैस और एसिडिटी की वजह से सब कुछ होता है। अच्छा। इसकी वजह से बैक पेन, पीठ में मतलब ये जो बैक पेन है, बैक बोन में, उसमें बहुत पेन रहता है या शोल्डर। जी जी। तो आज जो डाइट मैंने बताया है ना, वो डाइट आप 3 दिन तक फॉलो कीजिए प्लीज। और जितने लोगों को भी एसिडिटी पेन का शिकायत है, जिसको पता चल गया कि एसिडिटी की वजह से भी बैक पेन होती है, राइट, मैंने बोला B12 कम होगा तो बैक पेन होगा, लेकिन बहुत अदर रीजन भी होते हैं, तो जिनको भी एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, डकार आती है, जलन होती है, वो सारे लोग लिख लो कि उनको ये जो डाइट है वो भी लेना है, और साथ में जो मैंने पानी बताया वो लेना है, और रात को आज रात से आज पहली नाइट है, त्रिफला सबके पास होगा, सबके पास होगा त्रिफला, आपके पास है नीरज जी घर में? त्रिफला नहीं है, पहले थोड़े दिन पहले तक। हाँ, तो आपको अब मैं बता रही हूँ, हर हफ्ते 2 दिन त्रिफला का सेवन करना है जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और आज से, आज कल और परसों 3 दिन त्रिफला लेना है, और त्रिफला लोगे तो जितना टॉक्सिन्स है ना, देखना थोड़ा सुबह सुबह ना हेडेक जैसा भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर जमा है नीरज जी, ठीक है, जो गैस बन के घूम रहे हैं। तो आपका जब पेट साफ होगा तब आप जाके आपके अंदर फूड एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, समझ रहे हैं। तो आपको कम से कम 6 महीने तक डाइट लेना चाहिए, ठीक है, और हर हफ्ते आपका डाइट चेंज करेंगे, हर हफ्ते आपको असेसमेंट करेंगे और आपका रिजल्ट देखेंगे, और आप देखना छू मंतर हो जाएगा आपका एसिडिटी। त्रिफला ना हो तो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसका कुछ? त्रिफला अगर नहीं है तो आप रात को सोने के पहले जो है ना, मतलब आप ये ले सकते हैं 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, और आधा चम्मच, पाव चम्मच अजवाइन और पाव चम्मच जीरा पाउडर, मतलब 1/4 जीरा और अजवाइन पाउडर, और 1 टीस्पून आपको लेना है सौंफ का पाउडर, ठीक है, वो पीस के एक साथ। हाँ हाँ, फाक लीजिए आप, और आप देखना। हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं नीरज जी, किसी और का। हाँ, हाँ, त्रिफला जो लेना है हाँ, त्रिफला आपको 1.5 चम्मच से 2 चम्मच, अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है तो आप 1.5 चम्मच तक लीजिए, अगर जिसका वजन ज्यादा है, ओबेज है, उन लोग 2 चम्मच फुल भर के लेना है, और हल्का गर्म पानी में लेना है। त्रिफला को भी लेने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जब आप लोग स्वर योग का क्लास करोगे ना तो उसमें मैं ये पूरा कवर करती हूँ, सांस को कैसे लेना, खाना कब, कौन सी नाड़ी में खाना, कौन सी नाड़ी में पानी पीना, ये सब बताती हूँ। एसिडिटी के लिए तो पूरी बीमारियों के लिए स्वर योग से भी हम करते हैं, आहार भी उसमें बताती हूँ। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आज त्रिफला का सेवन 2 या 3 दिन करिए, जो पानी बताया उसका कीजिए, 3 बार वो पानी पीजिए, सुबह जो मैंने चिया सीड वाला पानी बताया है, रोटी, चावल, दूध, पनीर से बनी हुई चीज़ें, डेयरी बंद कर दीजिए, दही वही भी मत लीजिए खाने में, जितना मैंने बोला उतना ही लीजिए बस, और छाछ जो बनाएंगे वो 2 चम्मच कर्ड में 1 ग्लास पानी डाल के छाछ बनाएंगे, दही कम पानी ज़्यादा, ठीक है, जीरा डालिए उसमें, बिना जीरे का अगर छाछ पियोगे एसिडिटी होगा, आप जीरा का तड़का डालिए, कड़ी पत्ता का तड़का डालिए, कभी भी तड़का क्यों लगाते हैं छाछ में, ताकि उसका जो एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये डाइट दिया है मेरे को नीरज जी, बताएंगे कि इनको एसिडिटी में कितना फर्क। अब मुझे थायराइड और 1 डायबिटीज वाले को लेना है, और 1 मोटापे वाले को लेना है जिनका वेट ज्यादा है। जी बोलिए कुसुम जी। जी हैंड रेज करिए थायराइड, डायबिटीज और ओबेसिटी वाले, जब तक कुसुम जी बोलिए। आप क्वेश्चन आ रहा है जी, एलोवेरा जो घर में तेल में लगता है उसको कैसे दे सकते हैं?
एलोवेरा को आप ले सकते हैं, लेकिन आपका प्लांट किस जगह लगा है, आपकी मिट्टी कितने दिन में आप चेंज करते हैं, उसमें आप केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं प्लांट में, अगर ये सारी चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो एडवाइस करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जूस लीजिए, सबसे द बेस्ट। कोई आपको कोई टेंशन नहीं कि उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसमें केमिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको कंज्यूम करना है, केमिकल भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसका फिर एलर्जी होगा, खुजली होगी, ड्राइनेस बढ़ेगा, आपके स्किन में रैशेज आएंगे। कई लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता है, ठीक है, तो एसिडिटी वालों को सूट करता है ये, ठीक है। तो घर वालों को अगर लेना भी है तो उसको गर्म पानी से अच्छे से धोइए एक दो बार, और उसके बाद उसको अच्छे हाथ से उसको कट करके, आपको टच नहीं करना है उसके जो पल्प होता है ना, उसको बिना टच के आपको बॉल में, कांच के बॉल में लेना है और उसको डायरेक्ट आपको ब्लेंड करना है। और वो कितनी मात्रा में लेना है आपको, उसका कम से कम आप 30 ग्राम तक लेंगे तो उसमें पानी भी आप 30 ग्राम 40 ग्राम यूज़ करके उसका पल्प बनाइए, है ना। और 30 ग्राम पूरा घर के पल्प को 30 ग्राम यूज़ नहीं करना है आपको, घर में जो जूस बनाएंगे ना उसका 3 से 4 चम्मच ही यूज़ करना है, 3 चम्मच यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना, जो बाहर का लाते हैं वो प्रोसेस्ड होता है जी। किडनी स्टोन भी कर, कैस्टर ऑयल अच्छा है, लेकिन उसकी अगर एक बार आदत पड़ गई ना आपको तो बहुत फिर छुट्टी नहीं है, फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन हमेशा ऐसा लगेगा लेना ही पड़ेगा। तो कैस्टर ऑयल सम टाइम ले सकते हैं जब किसी को सर्जरी होती है ना, जैसे यूट्रस रिमूव करते हैं, पेट से संबंधित सर्जरी होती है, उनको स्टूल सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं, बट मैं जब करवाती हूँ तो मैं बिल्कुल जूसेस से और इससे करवा लेती हूँ, तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती अरंडी का तेल और किसी भी चीज़ की। आप त्रिफला से और हमारे वेजिटेबल जूस से और हेल्दी डाइट से आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? बोलिए नीलम जी, नीलम जी को ओपन कीजिए। हाँ, तिल वाइट लेना है और काली भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन नाश्ता जब आप वो करेंगे तो फ्रूट और ड्राई फ्रूट का ही करेंगे, उसमें आप कोई भी कार्ब नहीं यूज करना है, जैसे पोहा उपमा नहीं यूज करना है, तभी वेट लॉस होगा, ठीक है जी। बोलिए नीलम जी। जी हाँ, तो आर्थराइटिस वाले को प्रोटीन एंड कैल्शियम इंटेक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, विटामिन डी, है ना, और जिनको भी आर्थराइटिस है उनका एपिटाइट बहुत पुअर होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट है आपको, तो न्यूट्रिशन नहीं जाते, तो मेरे को आपकी डेफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, विटामिन डी का लेवल, कैल्शियम लेवल, B12 का लेवल, और उसके साथ में आपका एक हेल्दी डाइट प्लान होगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्थराइटिस, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन प्रॉब्लम है, क्या है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा आपका किडनी। प्रोटीन पाउडर तो वैसे रोज डेली लेती हूं मैम। मेरे को आप थोड़ा आपका हिस्ट्री लेंगे हम, आपका स्लीपिंग पैटर्न, और आप एक्सरसाइज कितना करते हैं अभी, आप ये बताइए, कुछ वॉकिंग वगैरह? मैं 45 मिनट्स करती हूं एक्सरसाइज। हां, लेकिन वॉकिंग होता है आपका? नींद कैसी है? घुटनों की वजह से अभी तो मैंने सब नहीं करा, और ऐसे में 4-5 डेली। अच्छा, दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है? हाँ, खड़े नहीं रहता, स्वेलिंग है, स्वेलिंग है। हाँ, तो बजने लगा। हाँ, तो ये जो दर्द हो रहा है अभी भी दर्द है आपको? हाँ, तो जो मैंने पानी दिया है ना अभी सुबह का, वो पानी पीजिए, और शाम को मैंने नीरज जी को जो पानी बताया, अजवाइन जीरा 1/4 और उसके साथ 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, ओके। और आपको ठंडी चीजें नहीं खानी, फ्रिज की निकली हुई चीजें नहीं खानी है, कभी नहीं खानी है, ये ध्यान रखिए। पहले दिन की सब्जी भी नहीं खानी है आपको, फ्रूट भी कट किया हुआ नहीं खाना, नहीं खाते हम लोग, नहीं, ठीक है, बट फ्रिज का खाना भी नहीं खाते हम शाम को, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ फ्रिज में रखी हुई चीज, फ्रूट रख देते हैं कट करके, सब्जी रख देते हैं, और आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है। जितने लोगों को भी यहाँ पर आर्थराइटिस है उन लोग ध्यान देवे कि उनको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, उनको इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है आप लोगों का, तो आपके विटामिंस आप पर बहुत हमको देने पड़ते हैं, B12, विटामिन डी, कैल्शियम, ईवियन, ओमेगा 3 का सेवन करिए आप, ओमेगा 3 से होगा। आप एक डाइट प्लान 6 महीना मेरे साथ रहिए, आपका मैं वेट कम करूंगी, आपका आर्थराइटिस लेवल भी कम करूंगी, आपका ऑक्सीलेट, कैल्शियम सब कम करना है, तब तो आप हेल्दी फील करेंगे ना, है ना। और खाना ही तो जीवन है, अगर आप खाएंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे दिन भर का, राइट? यस मैम। सिर्फ वजन को हम लोग देखते हैं जी। इतनी अच्छी अवेयरनेस आपको यहाँ पे मिल रही है,
इसको फॉलो करिए और स्वस्थ जीवन बिताइए और अपने साथ को खुश कर दीजिए कि देखिए और देखिए जी जी। और आप ना क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जब प्रॉब्लम होता है, दर्द का दे देते हैं और उनको बोलेंगे टेस्ट करा दो और दर्द की दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन आपके साथ डॉक्टर हमेशा नहीं रहते, मैं तो आपके साथ हर दिन व्हाट्सअप में रहूंगी, आप क्या खा रहे हो मैडम, मैं यहाँ आई क्या खाऊं, आप मेरे को पूछेंगे, इतना मैं डिस्टर्ब अपने आप को करती रहती हूँ, तब मेरे पेशेंट मेरे को याद करते हैं। यहाँ पे अर्चना जी हैं, अर्चना सोनी जी कलकत्ता से, प्लीज अपने थोड़े से आप शेयर कीजिए मेरे साथ एक्सपीरियंस, है ना, अगर वो है तो। हाँ, और मैं आपको कह रही हूँ, एश्योरेंस कर रही हूँ कि अगर आपने अपना खान पान और अपनी बीमारी समझ ली और उसका इलाज समझ लिया तो सबसे बड़े मित्र आप हैं खुद अपने। और आपने अगर अच्छा, हाँ सेकेंड मित्र कौन है मालूम है आपका, ये है सेकंड मित्र कौन है, चलिए बताइए सेकंड फ्रेंड आपका कौन है जो आपको हेल्दी रखेगा। हाँ तो मैं बताती, सेकंड मित्र आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हो सकती है, एक्सपर्ट हो सकती है। पहले तो माँ होती थी, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारे को पर्सनल एक्सपर्ट रखना चाहिए और एडवाइस तो बिल्कुल लेनी चाहिए। आप अगर पैकेज में नहीं आ सकते, 500 रुपीज कंसल्टेंसी होता है मेरा, ज्यादा नहीं है, आप हर 10 दिन में 8 दिन में 15 दिन में डाइट चेंज कर लीजिए ना, एक डाइट तो चेंज कर लीजिए, कम से कम 1 महीना 15 दिन तो चलाइए डाइट को, क्या दिक्कत है। और आप दवाइयाँ लेने जाएंगे तो बस पेन किलर लाएंगे, एंटासिड लाएंगे और थोड़े स्टीरॉइड्स लेकर आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और मैं तो बोल रही हूँ ना आपको, अगर ये सेशन के बाद ललिता जी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे मैं कि अपना स्वर योग का 10 दिन का सेशन मैं इनको देना चाहूंगी सबको उसमें। आप लीजिए ना, दोनों लोग भी कमेंट करना चाहिए, आपके पास तो सारे व्हाट्सएप नंबर है, ये तो इन लोगों की इच्छा पे अपने लोगों ने नहीं बता रही हूँ कि हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये तो न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपको ट्रेनिंग की बात करते हैं ना तो ट्रेनिंग तो देखिए एक दिन में नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं होती है। सांस लेने की क्रिया, खाने की क्रिया, सोने की क्रिया, सब चीज सीखना चाहिए। मैं तो आपको स्वर योग में ये बताऊंगी, आपको लेफ्ट साइड ही सोना है, राइट साइड में नहीं सोना है, पानी भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा तब पीना है, नहीं पीना है, तो ये सब गुड हैबिट्स आ जाती है। गुड हैबिट्स जितना आप अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में लाएंगे उतना ही आप हेल्दी फील करेंगे, राइट। और ट्रेनिंग के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, टाइम देना चाहिए आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भावना जी से। आवाज अनम्यूट करिए जी। कैल्शियम ऑक्सीलेट रिकरेंस को कैसे ये कर सकते हैं? हाँ जी, संगीता पाटनी जी ना स्वर योग के लिए कितने लोग आई है क्या भावना जी को? भावना जी आप बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा सॉरी, एक मिनट वापस आप बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। 25 mg की थायराइड की गोली चल रही है तो क्या करना चाहिए, डाइट प्लान कैसा? हाँ देखिए, थायराइड वालों का 2-3 क्राइटेरिया होता है, एक तो वेट देखते हैं हम लोग आपका, ठीक है। हाइपोथायराइड है आपको, कौन सी गोली ले रहे हैं, थायरोनॉम वगैरह ले रहे हैं, हाइपो है आपको? तो आपका वेट ज्यादा दिख रहा है मेरे को। जी जी मैं आपको बता रही हूँ, हाँ वेट ज्यादा है। दूसरा आपके सिम्टम्स में आपको खाना डाइजेशन होता है बरोबर, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, फटीगनेस होती है हेयर में, ऐसा खुजली, स्किन में खुजली, रैसेस, आंखों के नीचे काला घेरा है ना, हाँ। और नींद कम आती है, नींद कम आती है, हाँ यानी थकान होती है तभी आप ज्यादा सोते हो, वैसा नींद नहीं, हेल्दी नींद नहीं, अनहेल्दी नींद होना, यानी हर बार आपको सुलाए तो आप सो जाए, मतलब ये अनहेल्दी है, है ना जी। तो उस वजह से लाइक मेरा व्हाट्सएप में लिंक आया है, मैं एक लिंक और शेयर करूंगी आपसे, वहां पर भी आप ज्वाइंट हो जाइएगा, ठीक है। मुझे बस हेलो करिए सब लोग, मैं स्वर योग के लिए जो कोर्स की बात कर रही हूँ वो 10 दिन का कोर्स होगा, उसमें पहले दिन आपको ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना और ऑक्सीजन लेवल से हम कौन कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं, एक सेकेंड डे वाटर थेरेपी, जो अभी तीसरा दिन का जो कोर्स है ना अपना अभी, इसमें
उसमें वो कवर थोड़ा सा करेंगे, वो होगा उसमें आपको कैसे हम मेडिटेशन करें, स्ट्रेस, फियर, एंगर, क्रोध कैसे कम करें, वो होगा। फिर देन जो ये हम जो सप्लीमेंट्स बता रहे ना उसका पूरा डिटेल होगा, डिटेल खाने में सौंफ ऐड करना, गोंद ऐड करना, कैल्शियम के लिए क्या खाना, आयरन के लिए क्या खाना, सप्लीमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ फूड की बात होगी। हेल्दी आपको कुछ कुछ रेसिपी भी बताएंगे उसमें, और उसमें आपका डिटॉक्सिफिकेशन योग क्रिया भी होगी, मतलब योग से भी हम डिटॉक्सिफिकेशन, जल नेति है, कुंजल है, शंख पक्षालन है, दो तीन क्रिया भी करवाते हैं, ऑयल पुलिंग है, वो खुद मैं करवाती हूँ, सिखाती हूँ आपको। 10-15 दिन देंगे तो सिखाने की बात होती है, सुनने की नहीं होती है, राइट। और उसमें मेडिटेशन होता है हर दिन 20-25 मिनट का। जी कि आप पूरा चैट बॉक्स में कल पूरा डिटेल डाल दीजिएगा, आपका जो स्वयं होता है हाँ, उसका पूरा डिटेल दे दीजिएगा चैट बॉक्स में हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ। आपके पास अभी 10 मिनट है फिर डॉक्टर जी, जी जी अपने यहाँ अपने आर्माइड ग्रुप से कोई है क्या जो भी आर्माइड जी कल कर जी 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 बोलना जरूरी है और इसी बीच में अगर आज कोई नहीं आए हैं तो एक आपके सेशन के बाद में अनाउंस कर दूंगी। जी जी एक मिनट राशि तो राशि को एक मिनट राशि को बोलो इसको ज्वाइन करेगी और इसमें जितने नंबर आए हैं नोट करेगी हाँ एक मिनट। जो भी आर्माइड ग्रुप से यहाँ पर है प्लीज चैट बोर्ड में जितने भी फोन नंबर आ रहे हैं वो नोट करेंगे प्लीज। और ये जो चैट बोर्ड है ये मेरे को मिलेगा क्या प्रार्थना जी? मिल जाए। पूरा मुझे सेव करके प्लीज पहले दे दीजिएगा फिर जाइएगा आप, ठीक है? चलिए अच्छा अभी कौन है? अभी कुसुम जी है। जी कुसुम जी कलकत्ता से, कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्कार, मैं एकदम ठीक हूँ। जी जी लास्ट ईयर मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। अच्छा। और मैं हाइपरटेंसिव भी हूँ और डायबिटिक भी हूँ। अच्छा। बट मुझे एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह करने की आदत है, प्राणायाम वगैरह भी करती हूँ, सो वैसे मैं अपने आप को फिट फील करती हूँ, बट दवाइयाँ तो मुझे लेनी ही होती है। अच्छा, तो देखिए हार्ट का यानी आपको क्या हुआ था, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आया था, इन्हें क्या प्रॉब्लम आया था? एक्चुअली मुझे थोड़ा हाइट में जैसे सीढ़ियां और चढ़ने में मुझे थोड़ी हांफनी होती थी, तो मैं तो नॉर्मल अपना चेकअप के लिए गई थी, तो उसी में पता चला कि आई एम नॉट डूइंग वेल, और मेरा एंजियोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा 5-6 जगह में ब्लॉकेजेस हैं, सो आई हैव टू गो फॉर द हार्ट सर्जरी। जी 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 अभी तेला बोला एक मिनट उसको बोलो, मेरा ईमेल भी इसमें डाल देगी, ईमेल आईडी, मैं एक ईमेल आईडी डाल रही हूँ मेरी खुद की, जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे मेल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स मेरा व्हाट्सएप भी भर गया है, और एक सेशन हम यहाँ पर जूम पर फ्री रखूँगी मैं मेरे साथ स्पेशल, मेरे रूम पर आप सब आ सकेंगे, अगर मुझे ललिता जी सोनी ने यहाँ से करके दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं मेरे रूम पर सबको लेना चाहूँगी, ठीक है? चलिए आपके बारे में बात करते हैं कि अभी आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ जो चैट बॉक्स है उसको सब नोट करें। सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस शुगर है और हाइपरटेंसिव, जो दवाइयाँ लेनी होती है वो लेनी होती जी, जो डाइट मैंने अभी बताया है वो डाइट आप 3 दिन करिए, और आपका पहले मोशन ठीक करिए, पेट ठीक करना है। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्लीज अपना पेट साफ करिए, 3 दिन डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी का, उसके बाद डाइट बहुत अच्छे से काम करते हैं। 3 दिन डिटॉक्स अगर हो रहा है, पेट साफ हो रहा है, आप तुरंत मेरे से डाइट लीजिए। आप डाइट लेंगे तो मैं आपको 100% एश्योर करती हूँ, आपका शुगर लेवल, आपका बीपी, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपका छोटा मोटा माइनर जो एक होता है, पेन होता है बॉडी में, और थोड़ा ना थोड़ा सुस्ती आती है, फटिगनेस होता है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। ये ड्यू टू फूड है, ड्यू टू सप्लीमेंट आपके नहीं है बॉडी में, इसलिए है। अब फिर मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि आपको टेस्ट कौन से करवाने हैं, नहीं करवाया होगा तो करवाएंगे, देखेंगे कि आपके कौन कौन से, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं रहता कुसुम जी? नहीं मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है। ठीक है, तो वाइटामिन B12 भी चेक करेंगे, और थोड़ा सिम्टम्स में और जानना चाहूंगी आपसे डिटेल में, रिपोर्ट्स आपके मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो थेरेपी डाइट बनाना है, राइट? प्लेन डाइट तो देना नहीं है, मैं नॉर्मल डाइट नहीं देती, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ,
तो मैं टेस्ट रिपोर्ट देख के, ताकि 3 महीने बाद वापस टेस्ट कराऊं तो आपको ये समझ में आया कि मैंने ये डाइट किया, मेरे को फायदा हुआ, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो ये जो डाइट है बस वो करिए, त्रिफला लीजिए 2 दिन, और नॉर्मल जो मैंने बताया वो करिए। 3रे दिन मैं आपके साथ ही हूँ, कहीं नहीं हूँ, और फिर हम लोग अच्छे से बात करते हैं। और वेनेसडे को मैं फ्री स्लॉट रख रही हूँ, फ्री स्लॉट मेरे आईडी पर मैं रखूंगी, अगर ललिता जी से परमिशन लेंगे, जैसा बोलेंगे वो आपको बताती है। रश्मि जी, हाँ, फ्री स्लॉट तुम्हारे 3 दिन का नेक्स्ट बुकिंग है, तो 3 तारीख के बाद में आपको चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, मेरा फ्री स्लॉट मैं वेनेसडे को रख रही हूँ मेरे जूम आईडी पर, मैं यहाँ पर कल डाल दूंगी। नहीं हो सकता इस टाइम पे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम अच्छा हमारा स्लॉट चलता है, ठीक है? ठीक, इसलिए आपने बात कर, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको भी अगर पर्सनल राय लेनी है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। मेरा रोज का टाइमिंग होता है 12 से 2 और इवनिंग को 6 से 9 बजे तक। स्लॉट में 10 पेशेंट होते हैं मिनिमम, तो 10 ही होते हैं एक दिन में, तो आप अपना जितना जल्दी अपॉइंटमेंट लेंगे उतना फर्स्ट एडवाइस आपकी फ्री होगी, लेकिन नेक्स्ट एडवाइस चार्जेबल होंगे, और आप लोगों के लिए बहुत रिजनेबल है। 500 रुपीज़ आपका कंसल्टेंसी फीस होगा, और अगर आप वेट लॉस में जाएंगे तो फिर उस हिसाब से मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? पहला कंसल्टेंसी फ्री है, सेकंड कंसल्टेंसी आपकी 500 रहेगी, और जैसे आपको जाना है फिर उस हिसाब से हम आपको पैकेज भी बताएंगे। बहुत रिजनेबल रखूंगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का मैं इलाज कर पाऊँ। चलिए आज मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, जो भी लोग मेरे पास आएंगे 1 महीना 2 महीना 6 महीने के लिए, उसका पर मंथ का ही मैं लूंगी, पैकेज नहीं लूंगी, ओके? इतना मैं एश्योरेंस देती हूँ आपको, ठीक है? और फॉलो अप के हिसाब से लेंगे, एक एक फॉलो अप का रखेंगे हम लोग। और एक फॉलो अप का मैं आपको अभी डिक्लेयर कर देती हूँ, अगर फर्स्ट फॉलो अप आपने लिया 500 होगा आफ्टर फ्री, सेकेंड फॉलो अप आपका रहेगा 400, और उसके बाद आपका 400 300 400 300 ऐसा चलेगा, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से। हम लोग ऐसा यहाँ पे पैकेज नहीं बता सकते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सब लोगों से जुड़ूँ, सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है ना? तो इस प्रकार से हम डिसीज फ्री हो सकते हैं। दही सर से प्रणाम। मैं थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेती हूँ 2-4। मुझे गैस होता है, वही डाइट कीजिए जो मैंने बताया है, और भी आप डायरेक्शन कोर्स भी कराते हैं क्या? डायरेक्शन कोर्स मतलब वास्तु से रिलेटेड? अच्छा अच्छा नहीं, बट डाइटिशियन होगा, हाँ डाइटिशियन का पार्टिसिपेशन कोर्स करवाती हूँ, फूड मूड पे, यही तो कोर्स हो गया ना। अगर आप स्वरयोग थेरेपी का पूरा कोर्स करेंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने एरिया में लोगों को सिखा भी सकते हैं, ठीक है? मैं आपको उतना परमिशन दे दूंगी, आप सीखिए, आपको करना है आप करिए, मुझे एज ए गेस्ट बुला लीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप सीखिए तो सही, थोड़ा आप बिजनेस भी करो, मैं चाहती हूँ। चिया सीड लेना ही है, यस, B12, वेरिकोज वेन वालों के लिए, जिनको भी नसों का प्रॉब्लम है उनको 5 एक्सरसाइज मैं बताऊंगी लास्ट डे, वो बिल्कुल फॉलो करना। और अभी भी वेट लॉस के लिए भी 5 एक्सरसाइज होती है, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, 3rd डे बताऊंगी। आर्थराइटिस वालों का डिस्कशन हो चुका है, स्टमक फैट रिड्यूस करना है, यस, तो स्टमक की एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन आपको फैट कट करना है ना, तो ऑयल का सेवन बंद कर दीजिए, और जो मैंने 8000 स्टेप्स बोले दिन में चलने के लिए वो करिए, जो डाइट बोला है वो आप 8 दिन खाइए, देखिए आपका 2-3 किलो वजन ऐसे महीने में खत्म हो जाएगा, ये मेरे डाइट से। एक ही डाइट लीजिए ना, 10 दिन खा के देखिए आपका वेट डाउन होगा, 100% होगा। जी सुरेश जी, जैन अरुण, अनुराधा जी, हीमोग्लोबिन कम है उनको अपने आहार में तिल का सेवन बढ़ाना चाहिए, तिल और गुड़, और साथ में आप ले सकते हो अनार बीट हीमोग्लोबिन के लिए, उसका जूस पीजिए आप रोज पीजिए, एक गिलास जूस पीजिए बीट अनार का, बिल्कुल हीमोग्लोबिन कम होगा। यस, डाइटिशियन कोर्स एज सच नहीं होता, क्योंकि ये हमको ऑनर डिग्री होती है, तो उसके लिए 1.5 साल 2 साल टाइम देना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, सॉरी, लेकिन आपको मैं आपकी डाइट बिल्कुल ट्रेन कर दूंगी। जी वाटर ड्रिंक, यस, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको किडनी प्रॉब्लम नहीं है और पानी की मात्रा जिनको मना नहीं किया गया उनके लिए 3.5 लीटर पानी से 4.5 लीटर पानी पीना। पानी कैसे होगा, प्लेन वाटर भी हो सकता है, और पानी आपका सब्जियों के थ्रू, जूस के थ्रू, छाछ के थ्रू भी जाता है, तो सब मिला के 4.5 लीटर तक पानी,
3.5 से 4.5 लीटर पानी। किडनी स्टोन वाले काफ़ी लोग हैं, ऑक्सलेट आता है, उनको बहुत पानी पीना पड़ेगा। और आपके डाइट में प्रोटीन कम करके, आपका ऑक्सलेट और इसको कम करके, फास्फोरस कम करके या कंट्रोल करके, हम लोग सोडियम कम करके आपका स्टोन निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, स्वर अभ्यास की फीस रहेगी, अभी मैं डिक्लेयर कर दूं क्या फीस का? ललिता जी क्या करना है बोलिए, बहुत लोग नहीं, हाँ सर, सर अभ्यास की जो फीस रहेगी यहाँ के लोगों के लिए जिन्होंने आज अटेंड किया है उनके लिए सिर्फ, हाँ तो उनके लिए मैं यहाँ पर फीस होगी, ये 10 दिन का कोर्स होगा और ये इसका फीस रहेगा 1000 रुपीज आप लोगों के लिए। प्रणाम प्रणाम मंजू जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आपके लिए क्या कहूँ, मैं नतमस्तक हूँ आपके लिए मंजू जी, क्योंकि आपका मैंने यहाँ पर बॉम्बे में ऑडिटोरियम में अटेंड किया था और मैं थोड़ी देर लेट हो गई थी आपके प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन आज मैं बहुत अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ कि आई एम शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ नॉट लाइक मी, आई एम नॉट एबल जी, यस यस मालूम है, मैंने अटेंड किया है इनका प्रोग्राम बॉम्बे में। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं कि बॉडी में अगर हीट बहुत ज्यादा है तो अपने खाने में से नींबू का सेवन, इमली का सेवन कम कर दें, अपनी पानी की मात्रा बहुत अच्छी लें, एक गिलास पानी भर के ना पिए, घुट घुट पानी पिए, कम कम पानी पीते रहे दिन भर लगातार, प्यास लगी तब पानी नहीं पीना है, ऐसे भी पानी पीते रहना है। ओके, देन उसके बाद में आपकी बॉडी में अगर हीट है तो इलायची का सेवन करिए, आप ठंडा पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, धना का पानी पीजिए। ओके, एंड जिसको भी Yes, और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ हैं, और आपको पता नहीं है कि मैं रायपुर से हूँ, जब रायपुर वालों ने मुझे कॉल किया और आपका जब मैंने फोटो मेरे बाजू में देखा तो मुझे लगा कि बस आप मुझे आशीर्वाद ही दे रहे हैं, बस आपका ये आशीर्वाद दीजिए। आज मैंने गाथा से स्टार्ट किया था, तुभ्यम नमस्त्री भुवनार्थी हराय नाथ से, तो जी बहुत हाँ अच्छा, जय जिनेन बेटा कैसे हो? चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर भी मैं आप लोगों को डाइट दे सकती हूँ। हाय बेटा कैसे हो? अच्छा अच्छा वॉइस थोड़ा, किसी का माइक ऑन है तो डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो किसी करते हैं श्री
यूट्यूब पे भी हूं सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम मेरा रिकॉर्डिंग ओम ह्रीं श्रां श्रीं छूं छ हं सं त त त